आप मेरे को बता सकते हैं हमारी कौन सी क्लास है? सेकेंड क्लास, ठीक है भैया। आपका पहली क्लास से कोई सवाल वगैरह है तो मुझसे पूछिए प्लीज। कितने लोग हैं इस सेक्शन के अंदर, हम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सेशन में? चलिए ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन वगैरह है तो मुझसे पूछ लें ताकि फिर हम फॉर्मली स्टार्ट कर सकें। मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ पढ़ने को कहा था आपको, कुछ जर्नल्स पढ़ने को कहे थे, यूट्यूब से कुछ चीज़ें रेफर करने को कही थी, आपने वो करना शुरू की है? चलें, दैट्स वेरी गुड। जिसने किए हैं उसको यकीन फ़ायदा हुआ होगा। आज हम अपना कुकिंग लेक्चर शुरू करेंगे। यूनाइटेड नेशंस हम पढ़ रहे थे, मुझे कोई एग्जैक्टली बता दें यूनाइटेड नेशंस में हम क्या पढ़ रहे थे। डिड वी स्टडी दिस फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, मुझे समझ आ गया। ओके ओके, आई गिव यू अ लिटिल रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड एंड देन वी विल मूव ऑन एंड स्टडी इन डिटेल अबाउट द यूनाइटेड नेशंस इट्स फंक्शन। We were studying the United Nations Security Council. Now, it is an executive organ of the United Nations. ठीक है, जैसे हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो legislative organ था, legislative assembly थी, लेकिन ये जो है ये एक executive organ। ठीक है, हमने इसके structure के बारे में ये पढ़ा था, जो briefly हमने इस चीज़ पढ़ी थी जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि it has those non-permanent members are elected by United Nations General Assembly। यहीं तक पढ़ा था हमने। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे, फिर हमें स्टार्ट करना चाहिए। यस यस, यू गाइज विल गेट द स्लाइड्स, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, उसकी टेंशन ना नहीं आप। चले, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और ये मैंने आपको बताया था कि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, कि जनरल असेंबली ने दुनिया को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, देर आर 5 डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन हुआ है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। ये 5 रीजन हैं जिसके ऊपर दुनिया को डिवाइड किया हुआ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, पर हर 2 साल के बाद एक रीजन से 2 कंट्रीज इलेक्ट करके सिक्योरिटी काउंसिल में भेजते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट पढ़ा। हमने अब जो आगे पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि इसका फंक्शन क्या होता है सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन पहले तो हमने जनरल असेंबली के फंक्शंस पढ़े। जनरल असेंबली के कुछ फंक्शन जो हैं वो अकेले परफॉर्म करती थी, और जनरल असेंबली कुछ फंक्शन जो है वो किसके साथ शेयर करके परफॉर्म करती थी, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। तो कुछ तो वो फंक्शन, यानी कि आपने ऑलरेडी कुछ सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शन पढ़ लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्टिव फंक्शन जो होता है,
जनरल असेंबली में, वो ये होता है कि अगर आपने किसी एक मेंबर को इंक्लूड करना है तो पहले आपको उनकी रिजर्वेशंस क्लियर करनी होती थी जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं, यानी कि पहले आपको सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर का अप्रूवल लेना होता था, हमने जो आर्टिकल 4 पढ़ा। इसी तरह जब बजट पास करना होता है तब भी आपको सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो उनके ऑलरेडी कुछ रोल्स पड़ चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रोल है जो कि सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के पास है, वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन है, वो ये कहता है कि आर्टिकल 24 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सेड दैट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि दुनिया में अमन कायम रखना सिक्योरिटी काउंसिल की अव्वलीन तरजीह है। समझ आ गया आपको? अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इस अमन को कैसे कायम रखते हैं। ठीक है, हाउ डू दे गो अबाउट एंड मेंटेन दिस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, व्हाट इज द वे थ्रू विच दे डू इट। तो they do it through provisions which are already given in the United Nations Charter. ठीक है, League of Nations ने last lecture में हमने जो पढ़ा था League of Nations के बारे में, उसने क्या गलतियाँ की थी, League of Nations के अंदर ये चीज़ clear नहीं थी कि जो collective security है उसको कैसे implement करना। ठीक है, लेकिन United Nations के बारे में हमने पढ़ा कि उसने हर चीज़ को explain किया। क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? ठीक है यार, वो माइक आपके अपने ख़राब होते हैं, आप लोग मेरे ऊपर डाल देते हैं। चले ठीक, कोई बात। तो बात यह है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना किसका काम है? सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो उसको कैसे मेंटेन करती है। तो दो चैप्टर्स ऐसे हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे दुनिया में अगर कोई इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मैटर हो उसको कैसे रिजॉल्व किया। तो दो चैप्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं, एक है चैप्टर 6 और दूसरा है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 का नाम है, यूएन के जो चार्टर है ना वो डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड हो गए, तो चैप्टर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर 6 का नाम है पैसिफिक मीन्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, स्पेसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्यूट्स हों उनको सेटल करने के लिए कौन से स्पेसिफिक मीन्स अवेलेबल हैं। स्पेसिफिक मीन्स का मतलब होता है कौन से पुरमन तरीके अवेलेबल, यानी कि चैप्टर 6 हमें ये बताता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे वो पुरमन तरीके से यानी कि बगैर लड़ाई की तरफ रिजॉर्ट किए हुए, बगैर सैंक्शंस की तरफ रिजॉर्ट किए हुए आप मिसाइल को हल कर सकते हैं। तो वो होता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में तीन आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 33 ये कहता है चैप्टर 6 का कि अगर लेट से नाउ अपने जहन में कोई दो कंट्रीज हैं जिनके दरमियान में कोई इशू हो सकता है या चल रहा है, जो भी आप समझ गए आप, ठीक है अपनी आपकी मर्जी है, जो भी दो कंट्रीज है, आर्टिकल 33 सेज दैट इफ देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो पहला जो मौका है उसको रिजॉल्व करने का वो किसको दिया जाता है? उन कंट्रीज़ को खुद, यानी कि पहले इंस्टेंस में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन्वॉल्व नहीं होता। पहले इंस्टेंस में क्या होगा कि जिन दो कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम हुई है, एक ओके, तो पहला मौका जो है वो किसके पास जाएगा? मैं बोल नहीं रहा था भाई, इसलिए वॉइस इश्यूज आपको होंगे, आपको अभी भी हो रहे हैं?
यार क्या आप लोग अपना माइक प्लीज़ दुरुस्त करें, ये बार बार अगर ये बोलेंगे तो मुझे थोड़ी सी वो हो जाती है, प्लीज़ मुझे रुकना पड़ता है। अपने माइक ठीक करें, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। ओके, आर्टिकल 33 ये कहता है कि पहला जो मौका है उन कंट्रीज़ को दिया जाएगा जिनके बीच में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि लेट्स से नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में मसला है तो पहला मौका किसको दिया जाएगा, खुद नॉर्थ और साउथ कोरिया को, कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई तरीका निकालें जो कि पुरमन तरीका हो और उससे रिजॉल्व करें। यू वॉन्ट टू नेगोशिएट, फाइन, यू वॉन्ट टू मीडिएट, कंसिलिएट, एनी थिंग, इफ़ यू वॉन्ट द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस, टेल देम, बट आप अपनी मर्जी से कोई तरीका निकाल के उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 33। बट अगर वो कंट्रीज आर्टिकल 33 के तहत फेल हो जाए तो फिर आता है आर्टिकल नंबर 37। ठीक है, आर्टिकल नंबर 37 सेज कि अगर दोज कंट्रीज दे डू नॉट कम अप विद एनी सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट कि हमने अपने इशू को रिजॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना है, यानी कि वो इसी चीज़ पे अग्री ना अगर कर पाएं कि हमने किस तरीके से अपने इशू को रिजॉल्व करना है, तो फिर आर्टिकल 37 ये कहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये पावर है कि वो उनको बता सके कि आपने किस तरीके से अपना मसला किया, यानी कि आप बैठ के नेगोशिएशंस करें या मीडिएशंस करें, फिर ये यूनाइटेड नेशंस के पास ये पावर है उनको बताने की। ठीक है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर के अंदर वो है आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल 34 ये कहता है कि किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये पावर है कि वो किसी भी मैटर को वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। नाउ दैट्स अ बिग पावर, यानी कि यू द वर्ल्ड हैज गिवन द पावर टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर उनको लगता है कि देर इज़ एन इशू ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दे कैन इन्वेस्टिगेट इट, दे कैन सेंड देयर टीम्स टू स्पेसिफिक कंट्रीज और वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये पावर्स हैं चैप्टर 6 की। देखें चैप्टर 6 के अंदर किन चीज़ों की बात की गई है, मसाइल के हल करने की, कौन से मसाइल जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और पुरमन तरीके से, ये देखें जितने भी चैप्टर 6 के अंदर तरीके बताए गए हैं किसी मसले को सॉल्व करने के, वो सब के सब कौन से हैं, पुरमन तरीके हैं। उसमें ना सैंक्शंस इन्वॉल्व है, ना उसमें लड़ाई झगड़ा इन्वॉल्व है, ना उसमें कोई फौज फोर्स इन्वॉल्व करना इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर कोई मसला स्टार्ट होता है दुनिया में तो पहले चैप्टर 6 के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। डज इट मेक सेंस? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। यस इट इज। देखें साथ इस तरह तो पूरे का पूरा चार्टर ही सब्जेक्टिव है, सिर्फ 34 नहीं। अच्छा, अगर लेट से चैप्टर 6 से बात ना बने, अगर हमारे हम एक ऐसा इशू फेस कर रहे हैं, करते हैं शजा उमर इसके ऊपर बात करते हैं, कश्मीर वाली जो बातें हैं ना, मुझे ज़रा चैप्टर 7 कंप्लीट करने दें, मैं आता हूँ इसके ऊपर। चैप्टर 7, अगर चैप्टर 6 फेल हो जाए फिर आता है चैप्टर 7 की बात। चैप्टर 7 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइक द मोस्ट पावरफुल चैप्टर इन द होल ऑफ यूएन चार्टर, और उसके अंदर जो दो आर्टिकल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 42 एंड आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 42 ये कहता है कि अगर चैप्टर 6 फेल हो जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इशू होता है तो पहले चैप्टर 6 से ही आपने पहले बात स्टार्ट करनी है। देखिए कुछ वाक़यात ऐसे हो सकते हैं, कुछ हालात ऐसे बन सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि चैप्टर 6 लगाने की कोई तुक ही नहीं बनती, आपने सीधा चैप्टर 7 के थ्रू इकदाम करना। ठीक है, तो चैप्टर 7 का जो आर्टिकल 42 है वो ये कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये पावर है कि वो पूरी दुनिया को ऑर्डर कर सकता है टू सेवर टाइज ऑफ इकोनॉमिक कम्युनिकेटिव एंड डिप्लोमेटिक इन नेचर, यानी कि लेट से एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक किया, ठीक है, और इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो मामलात थे उनको रिजॉल्व कराने की कोशिश की गई है, हो नहीं गई। अगला स्टेप क्या होगा, चैप्टर 7, चैप्टर 7 में होगा आर्टिकल नंबर 42। 42 ये कहेगा कि जिस कंट्री ने दूसरी पर अटैक किया ना, उस कंट्री के साथ जितने की भी किस्म के ताल्लुकात हैं वो पूरी दुनिया ख़त्म कर दे, यानी कि यू नीड टू आइसोलेट दैट एग्रेसर,
आपने उस एग्रेसर को आइसोलेट करना, उससे किसी किस्म का ट्रेड नहीं करना, उसके साथ किसी किस्म के डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखने। अगर ये फैसला कर दे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है, ठीक है। अगर उससे भी बात ना बने, अगर आर्टिकल 42 के तहत जो सैंक्शंस लगाई गई हैं उन वो भी ना काफ़ी हो, फिर आता है आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43 ये कहता है कि आखिरी हरबा ये है अगेंस्ट द एग्रेसर इज़ टू यूज़ द मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि चैप्टर 6 से चैप्टर 7 की तरफ जाते हुए क्या है, एक यू नो देर इज सॉर्ट ऑफ अ स्टेयरकेस, यानी कि पहले पावर दी जाती है उन कंट्रीज़ को खुद, जब वो कंट्रीज़ नहीं रिजॉल्व कर पाती फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बताता है कि प्लीज़ अपने कैमराज बंद करें, अच्छा अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो जाए उस चैप्टर 6 में, यानी कि चैप्टर 6 अगर नाकाफी लगे तो फिर चैप्टर 7 की बारी आती है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको समझ आ गई हैं, अगर ये आ गई हैं तो फिर हम बात करते हैं कश्मीर के इशू पर अब, ताकि आप सही से समझ सकें। ओके नाउ योर क्वेश्चन इज कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास इतनी पावर हैं तो फिर आज तक ये कश्मीर का मसला क्यों नहीं रिजॉल्व हुआ। That seems like a very valid question. तो मैं आपको बताऊँ, मसला ये है कि बताता हूँ मैं सब बता रहा हूँ। मसला ये है कि अभी हमने पीछे पढ़ा चैप्टर नंबर 6, ठीक है, और ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 6 के अंदर जितने भी आप कह लें कि जो फैसले होते हैं वो पुरमन तरीके से चीज़ों को करने के लिए होते हैं, लेकिन चैप्टर 6 के अंडर की जो रेजोल्यूशंस होती हैं वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर, दोज रेजोल्यूशंस आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। लेकिन जो चैप्टर 7 के अंडर रेजोल्यूशंस ली जाती हैं वो बाइंडिंग इन नेचर होती है, यानी कि जो रेजोल्यूशंस आज तक चैप्टर 6 के अंडर ली गई हैं कंट्रीज उनको माने या ना माने ये कंट्रीज की मर्जी है, बट अगर चैप्टर 7 के अंडर लिए जाए तो वो बाइंडिंग। कश्मीर के ऊपर आज तक सिक्योरिटी काउंसिल ने जितनी भी रेजोल्यूशंस की हैं वो सब की सब चैप्टर 6 के अंदर, नेवर दे हैव एवर यू नो ट्राई टू पास अ रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर विच वाज ऑन चैप्टर नंबर 7, ठीक है। क्योंकि चैप्टर 7 के अंडर अगर रेजोल्यूशन पास करवानी हो तो आपको उन सारी P5 कंट्रीज़ का कंसेंट चाहिए, जो कि मुश्किल काम है। तो कोई ना कोई हमेशा पाकिस्तान के रास्ते में खड़ा रहा है कि आज तक पाकिस्तान हैज़ रिमेन अनसक्सेसफुल टू पास अ रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर अंडर चैप्टर नंबर 7, जिसके तहत इंडिया के ऊपर किसी किस्म की पाबंदियां लगवाई जा सके। रेजोल्यूशंस आई हैं वो चैप्टर 6 के अंडर आई हैं, चैप्टर 6 के अंदर ऑल दो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला है लेकिन वो नॉन बाइंडिंग है। इंडिया अगर नहीं मानता तो सिक्योरिटी काउंसिल उसको फोर्स नहीं कर सकता, बट अगर चैप्टर 7 के अंडर रेजोल्यूशन आती है और इंडिया कहता है मैं नहीं मानूंगा तो इंडिया को फोर्स किया जा सकता। ये वो रीज़न है जिसके तहत जिसकी वजह से आज तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता यूनाइटेड नेशन। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। उस्मान हम इस बारे में बात कर चुके हैं, ये P5 कंट्रीज है। आशिया देखिए मैंने आपको बताया ना चैप्टर 7 के तहत अगर आपने कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए आपको पूरी P5 कंट्रीज का कंसेंट चाहिए। ये फिर यूनाइटेड नेशंस की मर्जी है असद कि वो क्या कहते हैं। बकार पाकिस्तान वॉज अ नॉन परमानेंट मेंबर, अभी हम उसी की बात करने लगे हैं
कि ये जो मैंने आपको बताया था दो किस्म के मेंबर्स होते हैं, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, इनके बीच में क्या फ़र्क है और परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स की पावर्स में क्या फ़र्क है। जैसे मैंने बात की थी ना कि दो किस्म के मैटर्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली में डिसाइड होते हैं, एक सिंपल मैटर होता है और एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है, बिल्कुल इसी तरह दो किस्म के मैटर्स जो हैं वो यहाँ पे भी डिसाइड किए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो ना इट्स अ बिट टेक्निकल, सो प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा ताकि इससे आपको ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान चाहे 100 दफ़ा भी इसका मेंबर बन जाए तो वो अहम मसाइल के अंदर नहीं कर सकता था, ठीक है। अच्छा, इमेजिन देयर इज़ अ राउंड टेबल, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक गोल टेबल पड़ा हुआ है, वहीं पर सारी कंट्री को। अच्छा, ये राउंड टेबल क्यों रखा होता है, आपको आइडिया है कि व्हाट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस राउंड टेबल? ठीक है, वेरी गुड। चलो, जहाँ भी देखा था आपको पता होना चाहिए। राउंड एक ऐसा फिगर है जिसका कोई पीक पॉइंट नहीं होता या जिसका कोई बॉटम पॉइंट नहीं होता, ठीक है, जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता, तो नोबडी हेड नहीं। अब लेट्स से सिक्योरिटी काउंसिल के राउंड टेबल के अराउंड जो है 15 मेंबर्स बैठे हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट, ठीक है। कहने को तो 10 जो नॉन परमानेंट है वो भारी होनी चाहिए 5 परमानेंट के ऊपर, बट ऐसा नहीं है। लेट से वन कंट्री ब्रिंग्स अप अ रेजोल्यूशन और अ बिल कि मुझे ये बिल मैंने पास करवाना है, उस बिल को टेबल किया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। जब कोई भी बिल पेश किया जाता है ना सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर तो वो प्रोसीजरल मैटर होता है, यानी कि इन द स्टार्ट एनी मैटर जिसको पहली दफ़ा लाया जाता है उसको प्रोसीजरल मैटर कहा जाता है। तो जब वो उसको पेश किया जाएगा तो जो प्रेसिडेंट होगा सिक्योरिटी काउंसिल का जो बंदा होगा वो कहेगा कि लेट्स पुट इट ऑन अ वोट, ठीक है, लेट्स पुट इट टू अ वोट। तो कंट्रीज क्या करेंगी, अपने हाथ उठा के वोटिंग करेंगे किसी भी मैटर को पास करने के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किसी भी मैटर को पास करने के लिए 9 वोट्स चाहिए, 9 out of 15 वोट्स चाहिए टोटल। पहले फेज में, यानी कि जब पहला फेज होता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि परमानेंट मेंबर्स वोट कर रहे हैं या नॉन परमानेंट मेंबर्स वोट कर रहे हैं, बट देयर इज अ ट्विस्ट, सो प्लीज जरा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। एक रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, टेबल किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल टर्की पेश करता है कि इंडिया के ऊपर ना सैंक्शन लगाए जाए, ठीक है ना, उसको जब टेबल किया जाता है तो एक सिचुएशन तो ये है कि वो पास हो जाए। वो पास तब होगा कि जब टोटल 9 कंट्रीज जो हैं वो वोट करेंगी उसके ऊपर। अब आप ये समझ लें कि जिन 9 कंट्रीज़ ने लेट्स से वोट किया वो सारी की सारी नॉन परमानेंट है, परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक ने वोट नहीं किया, अगर ये सिचुएशन होती है ना तो वो बिल पास हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर पहले फेज में कोई एक भी परमानेंट मेंबर उसको वीटो कर दे, कोई एक भी परमानेंट मेंबर ये कह दे कि मुझे ये रेजोल्यूशन कबूल नहीं है, तो वो जो रेजोल्यूशन पेश की होगी ना जो कि एक प्रोसीजरल मैटर था वो प्रोसीजरल से बढ़ के सब्सटेंसिव मैटर बन जाएगा, यानी कि पहले उसकी इम्पोर्टेंस कम थी, अब चूँकि किसी ने उसको वीटो कर दिया है तो वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है किसी इम्पोर्टेंट मेंबर में, तो उसके ऊपर अब दोबारा से वोटिंग करवाई जाएगी, यानी कि नाउ दैट मैटर इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट, तो उसके ऊपर दोबारा से वोटिंग करवाई जाएगी, दोबारा रेजोल्यूशन को किया जाएगा टेबल, फिर से वोटिंग होगी। अगर दोबारा कोई कंट्री उस रेजोल्यूशन को वीटो कर देती है तो वो रेजोल्यूशन वहाँ से स्क्रैप कर दिया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाहे 10 की 10 कंट्रीज भी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो किसी एक रेजोल्यूशन के हक में वोट देती हैं, लेकिन P5 में से अगर एक भी कंट्री उसके ऊपर डिसएग्री होती है तो वो मैटर जो है प्रोसीजरल से क्या बन जाएगा, सब्सटेंसिव। जब सब्सटेंसिव बनेगा और फिर दोबारा उसके ऊपर वोटिंग होगी, अगर दोबारा किसी ने वीटो कर दिया उसको तो वो मैटर ख़त्म ही हो जाएगा, चाहे एक तरफ 14 कंट्रीज हों दूसरी तरफ एक परमानेंट कंट्री हो, आप नहीं कर सकते उनको।
ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में डेमोक्रेसी मैटर नहीं करती, सिक्योरिटी काउंसिल में P5 का वीटो मैटर करता है। अगर कोई एक P5 कंट्री भी मैटर को वीटो कर दे तो चाहे बाकी 14 कंट्रीज जो मर्जी करें वो मैटर पास नहीं हो सकता, है ना मजे की बात। यस यस इट इज कॉल्ड डबल वीटो। देखिए ताबिन ना, P5 में सबका फिर मानना जरूरी है। मैंने आपको कहा है ना, अगर P5 में कोई एक भी अगर डिसएग्री करेगा तो बात नहीं बनेगी ना। से बिल्कुल है इसका तरीका, ठीक है, इसका तरीका ये है कि जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है ना, उसके अंदर जो इतनी पावर्स दी गई हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, उसको कम कर दिया जाए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए। अब जो यूएन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट कौन कर सकते हैं? हु कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन? असेंबली कर सकती है, राइट, यानी कि जनरल असेंबली करें। बट द प्रॉब्लम इज कि जनरल असेंबली में मैंने आपको कहा था कि दो किस्म के मैटर्स को रिजॉल्व किया जाता है, एक इंपॉर्टेंट मैटर होता है, एक सिंपल मैटर होता है। तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो वो तो इम्पोर्टेंट मैटर है, और इम्पोर्टेंट मैटर तभी पास होगा जब P5 कोई एतराज़ ना करे। अगर P5 कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के ऊपर एतराज़ करेगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं हो सकती। उमर, अगर फेज वन में कोई P5 मेंबर एतराज़ ना करे तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाती है। अर्शिया, जो आप पूछ रही हैं ये हवा में तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब आप ये कह रही हैं कि P5 कंट्रीज एक तरफ और बाकी दुनिया एक तरफ, देखिए ये सर कहना आसान है। जो P5 कंट्रीज है ना वो पूरी दुनिया उनके एलाइज है, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, ज़रूरी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, हर कंट्री की अपनी मर्जी होती है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2018 में क्या हुआ, 2018 के अंदर एक वाकया हुआ कि अमेरिका ने अपनी एम्बेसी को, एक इसराइल की जो इसराइल के अंदर की एम्बेसी थी, वो उन्होंने तेलेवी से उठा के यरूशलम में ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है ना। सबसे पहले इस मैटर को उठाया गया सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वाई, बिकॉज इट वॉज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब कहने को तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई उन्होंने एक शहर से अपनी बिल्डिंग उठाकर दूसरी बिल्डिंग दूसरी शहर में रखी है, ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन नहीं, बात ये है कि अमेरिका इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड राइट, ठीक है, और आप लोगों की एम्बेसीज वहाँ पे होती हैं जहाँ आपका कैपिटल होता है। अगर अमेरिका ने अपनी एम्बेसी ट्रांसफ़र कर दी है तेल अवीव से यरूशलम में, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका ये मान रहा है कि इसराइल का कैपिटल है यरूशलम, और पैलेस्टाइन और इसराइल की लड़ाई ही यरूशलम के ऊपर है। ये यरूशलम किसका? पैलेस्टीनियंस कहते हैं हमारा है, इसराइली कहते हैं हमारा है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि दिस कैन कॉज अनदर वॉर, मतलब कि वो जो हालात ऑलरेडी ख़राब हैं तो वो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। उस मैटर को लाया गया सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसको टेबल किया गया कि कंडेम किया जाए अमेरिका के एक्शंस को, और अमेरिका को ये फोर्स किया जाए कि आपने उस एम्बेसी को उठा के वापस तेल अवीव में लेके आना है, यू डोंट हैव टू ट्रांसफर इट टू द यरूशलम, ठीक है। उसके ऊपर वोटिंग होती है, वोटिंग में गेस व्हाट क्या होता है, आउट ऑफ 15 कंट्रीज 14 कंट्रीज वोट अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि वो इस बात के ऊपर एग्री करती हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी एम्बेसी चेंज नहीं करनी चाहिए, बट अमेरिका वोट्स इन इट्स ओन फेवर, अमेरिका वीटोज द रेजोल्यूशन,
और वो वहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं अपनी मशीन। ठीक है, तो एक भी अगर कंट्री उन परमानेंट में से अगर वीटो कर दे तो वो रेजोल्यूशन कामयाब नहीं हो सकता। तो यूएन की जो पावर का जो गढ़ है ठीक है, वो जो गढ़ है यूनाइटेड नेशंस की पावर का, दैट इज पीपल। ठीक हो गया, चले अब हम आगे चलते हैं। अब आगे सुन लीजिए, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर यही होता रहा यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ठीक है, यही मैं बात करने लगा, अब सुन ले मेरी बात, कि अगर यही होता रहा कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो आपकी P5 है वो बाकी सारी एक तरफ और एक P5 एक तरफ, ठीक है, तो क्या होगा कि कोई भी को मसला रिजॉल्व हो ही नहीं सकेगा। तो उस केस में क्या किया जाए कि इसको तो भाई बनाई दुनिया में मसाइल को सॉल्व करने के लिए था, लेकिन आप जो है आपस की लड़ाई आपकी खत्म नहीं होती, आप सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हो, आप सिर्फ अपने एलाइज के बारे में सोचते हो। तो सिर्फ US नहीं, नोरीन, एनी P5 कैन गेट देयर वे थ्रू द यूनाइटेड नेशन। ये सिर्फ US नहीं है, सबके पास इतनी इक्वल पावर है, फ्रांस के पास, रशिया के पास, सबके पास इतनी इक्वल पावर है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। ठीक है, आप लोग क्या समझते हैं ये, अब अगर अगली कोई कंट्री भी परमानेंट मेंबर का हिस्सा अगर बन सकती है ना दुनिया में, तो वो इंडिया होगी, नेक्स्ट कंट्री वुड बी इंडिया अगर कभी बनी। ठीक है, लेकिन इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि इंडिया को इजाज़त दी जाए। अब अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बार बार फेल होती रहे तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? यानी कि आपका तो काम है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रखना, अगर ये बार बार फेल होते रहे तो इनकी जिम्मेदारी किसको निभानी चाहिए थी? देखें, नेचुरली अगर आपकी सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो रही है तो उसकी पावर ट्रांसफर हो जाती है फिर जनरल असेंबली के पास, जनरल असेंबली, नॉट द ICJ। ठीक है, मैंने आपको एक पावर के बारे में लास्ट टाइम ये कहा था कि वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम सिक्योरिटी काउंसिल कर चुके होंगे, अगर आपको याद होगा वो हम याद करने लगेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल जब बनाई गई थी तो उस टाइम तो सोच ये थी कि भाई ये जो कंट्रीज जिनको हमने P5 बनाया ये तो सब दोस्त हैं और ये सारी ज़िंदगी दोस्त रहेंगे, जो भी मामला होगा ये मेल बैठ के उद्धारण कर लेंगे। बट उनको ये नहीं पता था कि भाई ये भी एक दूसरे को दुश्मन बन सकते हैं, और ये हुआ। जैसे ही World War II ख़त्म होती है द P5 मेंबर्स दे टर्न ऑन अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस एक साइड पे हो गए और चाइना और रशिया दूसरी साइड पे हो गए, इनके आपस में डिसएग्रीमेंट शुरू हो गए। तो World War II ख़त्म होने के बाद एक नई किस्म की जंग शुरू हुई थी, जैसे आप सबको पता होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ कि USSR ने अपना एलाइज का सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, अपने एलाइज का ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया और USA ने अपना शुरू कर दिया। नाउ इस कोल्ड वॉर के दौरान बहुत सी जंगें होती हैं। कोल्ड वॉर का मतलब ये नहीं है कि अगर अमेरिका और USSR नहीं लड़े तो कोई भी नहीं लड़ा होगा, नहीं, जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई, लेकिन अमेरिका और USSR डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। कोल्ड वॉर के अंदर किस किस्म की वॉर्स हुई थी, क्या बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर्स। प्रॉक्सी वॉर्स क्या होती हैं कि आप अपने एक प्रॉक्सी को यूज़ करो, अपने एक फ्रंट को यूज़ करो जंग लड़ने के लिए। ठीक है, ये जो 1979 में अफगान वॉर हुई थी ना, ये भी एक प्रॉक्सी वॉर थी। हु वर द प्रॉक्सीज ऑफ अमेरिकन? वी वर, वी लाइक ट्रेड तालिबान, एंड हम लोग और तालिबान टुगेदर वी वर द प्रॉक्सीज ऑफ अमेरिकन। ठीक है, तो प्रॉक्सी वॉर क्या होती है कि आपका
जो कोई एजेंट है आपके नाम पे कोई कंट्री लड़, वो थी पक्की। जो पहली बड़ी जंग हुई थी कोल्ड वॉर, वो हुई थी, मैं कुछ और बात करूं ना सर, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक, स्टिक टू इट। मैं आपको ये कह रहा हूं कि पहली जो बड़ी जंग हुई थी कोल्ड वॉर के दौरान, वो हुई थी बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। ना उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया वाज एन एलाय ऑफ यूएसएसआर एंड साउथ कोरिया वाज एन एलाय ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये साल है 1950 का। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर है, इस टाइम पे बहुत सी चेंजेस आ रही थी हमारी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। क्या चेंजेस आ रही थी मैं आपको बताता हूँ। चाइना 1949 में, यानी कि पिछले ही साल चाइना के अंदर एक रेवोल्यूशन आई थी, और चाइना में जो पहले गवर्नमेंट होती थी उसको हटा के एक कम्युनिस्ट, आप कहने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है, जिसको मानने से इनकार कर देते हैं सारे। अमेरिका कहता है कि इसको मैं नहीं बैठने दूंगा सिक्योरिटी काउंसिल में, इंग्लैंड भी यही कहता है, फ्रांस भी यही कहता है, यानी कि तीन कंट्रीज कह रही हैं वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस गवर्नमेंट ऑफ चाइना टू सिट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, वी एक्सेप्ट द प्रीवियस गवर्नमेंट, वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस गवर्नमेंट। जब चाइना को बैठने नहीं दिया जाता तो फिर यूएसएसआर एहतजाजन जो है वो भी आना छोड़ देता है सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी कि 1950 में तीन मेंबर्स थे सिर्फ जो कि रेगुलरली सिक्योरिटी काउंसिल में आके बैठते थे, और वो तीनों आपस में एलाइज थे, फ्रांस, इंग्लैंड एंड अमेरिका। 1950 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जब एक जंग शुरू होती है तो उस टाइम की सिक्योरिटी काउंसिल ये सोचती है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि अगर नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जंग जारी रहती है तो उसका इफेक्ट पूरे खत्ते में आएगा। नाउ व्हाट सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड्स कि हमें वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की फौज भेजनी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल जब ये चीज़ डिसाइड करता है और जब यूएसएसआर को ये बात पता चलती है कि इन्होंने हमारे पीछे साउथ कोरिया की मदद के लिए फौज भेजने का ऐलान किया, तो यूएसएसआर का मेंबर वापस आता है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो एक नई रेजोल्यूशन टेबल करता है और उनके फौज भेजने का जो उनका फैसला था उसको रुकवा देता है, यानी कि रेजोल्यूशन लेके आता है और फिर उसको वीटो कर देता है। तो इस तरह क्या हुआ कि अब ज़रूरत थी वाकई उस जंग का कोई हल निकालने की ज़रूरत थी, लेकिन यूएसएसआर आया और यूएसएसआर ने आके क्या किया, इस मैटर को ब्लॉक कर। तो उस टाइम की नेशंस ने सोचा, उस मतलब उस टाइम इंग्लैंड था, फ्रांस था, अमेरिका था, कि अगर यही होता रहा कि हम एक दूसरे की रेजोल्यूशंस वीटो करते रहे तो जिस मकसद के लिए हमें बनाया गया था वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो दे पास्ड अ रेजोल्यूशन वॉज पास्ड जिसका नाम था यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये था कि व्हेन सिक्योरिटी काउंसिल फेल्स टू फुलफिल इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, then the responsibility of the Security Council is transferred to the General Assembly. Now that seems like a huge power given to the General Assembly. ठीक है, तो जो नॉर्थ और साउथ कोरिया का जो मैटर था वो किसके पास चला जाता है, वो चला जाता है जनरल असेंबली के पास, और जनरल असेंबली फिर 2/3 मेजोरिटी से ये फैसला करने का हकदार हो जाता है कि हमें वहाँ पर फौज भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे जनरल असेंबली ये फैसला करता है कि हमें वहाँ पे फौज भेजनी चाहिए। आर टू पी इज समथिंग एल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इज समथिंग एल्स, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि आपको जानना जरूरी नहीं, आप पढ़ें अच्छी बात है, आर टू पी आपको पता हो, बट वो ये नहीं है। ये यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन है जो कि 1950 में आई थी, आर टू पी तो 1999 में आया था। तो 2/3 मेजॉरिटी से जनरल असेंबली वो फैसले कर सकती है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के करने वाले होते थे। तो ये एक बहुत बड़ी पावर दी गई, एंड ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किए हैं। जैसे पहला फैसला उन्होंने किया कि वहाँ पे हमने साउथ कोरिया में फौज भेज दी, वैसे ये फैसला नहीं कर सकते, ये फैसला करना था सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में डेडलॉक था तो नहीं कर सकते, वह वहाँ पर नहीं कर सकते, इन्होंने किया। इसी तरह आप लोगों में से अगर किसी ने पढ़ा होगा, डू यू गाइज नो अबाउट स्वेज कैनाल क्राइसिस, वो जनरल असेंबली के यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन ने रिजॉल्व किया। इसी तरह 1960 में
कॉन्गो के अंदर सिविल वॉर हुई थी, उसके अंदर फौज भेजने का फैसला यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन ने किया, ठीक है। तो कुछ अहम काम किए उन्होंने, लेकिन ये जो पावर है ना इनकी, ये जो इतनी ज्यादा पावर है ना इनकी, ये चाइना को और रशिया को खास तौर पे इतनी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा पावर है, ये पावर सिक्योरिटी काउंसिल के पास ही रहनी चाहिए। आज तक 10 इमरजेंसी सेशंस हो चुके हैं इसके। इसका तरीका क्या होता है कि जब सिक्योरिटी काउंसिल में एक चीज़ पेश की जाए, अगर वो रेजोल्यूशन फेल हो जाए, यानी कि कोई फैसला ना हो सके उसके ऊपर, तो वो मैटर किसके पास चला जाता है? वो मैटर चला जाता है जनरल असेंबली के पास। जनरल असेंबली का एक स्पेशल इजलास बुलाया जाता है, ठीक है, और वहाँ पर रिजॉल्व करने की उसको कोशिश की जाती है। आज तक इसके सिर्फ 10 इमरजेंसी सेशन हुए, यानी कि 10 डिफरेंट ऐसे मौके आए हैं जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ी थी। पिछले 50 सालों में इन्होंने किसी मैटर को रिजॉल्व नहीं किया, ठीक है। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको रिजॉल्व, किसी मैटर को रिजॉल्व किया जाए, वो कौन सा है? वो है इश्यू ऑफ पैलेस्टाइन, ठीक है। 2018 के अंदर, जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, जब तेल अवीव से जरूशलम उन्होंने अपनी एम्बेसी को ट्रांसफ़र किया और फिर वीटो कर दिया, तो ये मैटर वहाँ से जब वीटो हुआ तो यहाँ से चला गया जनरल असेंबली के अंदर। जनरल असेंबली का दिसंबर 2018 में एक स्पेशल इजलास होना चाहिए, जिसमें अमेरिका के खिलाफ एक करारदाद लाई जाती है और वो करारदाद जीत जाती है, ठीक है। अब बात यह है कि वो सेशन अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। फिर आज जनरल असेंबली ये कह रही है कि हमने अभी आईसीजे से ओपिनियन मांगा हुआ है कि इसके बारे में क्या। शुरू शुरू में जब यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन की पावर दी गई थी जनरल असेंबली को, तो जनरल असेंबली बड़ी इफेक्टिव हो गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों के, कंट्रीज के एलाइज बनना शुरू हुए, तो अब ये भी एक इनफेक्टिव पावर बन चुकी है। वैसे ही जनरल असेंबली इनफेक्टिव है, लेकिन अब यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन होते हुए भी ये किसी मैटर को कंक्रीटली रिजॉल्व नहीं कर पा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल पावर है जो कि इनको दी गई है, विच लुक्स लाइक ए ह्यूज पावर, ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो पूछे प्लीज। सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ा है और सिक्योरिटी काउंसिल में एक मेंबर कंटिन्यूअसली उसको वीटो कर। अगर आप जाना है अंडर दिस रेजोल्यूशन, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, तो आपके हक में 3 वीटो पावर्स होनी चाहिए। अगर 3 वीटो पावर्स ये कह देते हैं कि इसको जाना चाहिए जनरल असेंबली अंडर यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, तो वो चला जाता है। 3 होनी चाहिए, ठीक है, 3 से कम नहीं। तो इस तरह ये मैटर जाता है, और जब वो जनरल असेंबली में चला जाता है तब वीटो पावर काम नहीं करती है। तो अमरीन, इस तरह तो बहुत से इशू जनरल असेंबली में डिस्प्यूटेड रहे, तो कुछ भी नहीं होता भाई, आप देख लें आपके सामने। नहीं ना सर, इस तरह तो फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन अगर वो हो सकता है तो कश्मीर का और पैलेस्टाइन का, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल ही कर सकती है, और कोई भी नहीं कर सकता। एनी वन एल्स? जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स हैं, हम ना वो आपस में वोटिंग करेंगे। देखें, रेजोल्यूशन पास होने का मतलब, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा अर्शिया, रेजोल्यूशन पास होने का मतलब ये नहीं है कि यूएसए को फोर्स किया जाएगा। उस रेजोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये था कि यूएसए के एक्शंस को कंडेम किया जाए। इतना आसान नहीं है जनरल असेंबली के पास इतनी पावर हो कि वो फौरन यूएसए को रोक सके। देखें, चाइना और रशिया दे हैवन बीन हैप्पी सिंस द स्टार्ट, क्योंकि उनको लगता है कि इट इज़ बैक स्टैबिंग, कि जो पावर हमारे पास होनी चाहिए थी वो जनरल असेंबली को दे दी गई।
1950 में जब ये पावर दी गई थी जनरल असेंबली को, तो उस टाइम इन्होंने मुखालफत की थी और ये आज तक मुखालफत करते हैं। खैर अब तो सब मुखालफत करते हैं। देखिए उमर, जो अमेरिका के अगेंस्ट लेटेस्ट रेजोल्यूशन पास की गई थी उसमें यह था कि अमेरिका के एक्शंस को कंडेम किया जाए और आईसीजे से पूछा जाए कि इसका क्या हल निकालना। यह रेजोल्यूशन पास हुई। दोनों के अंडर है वकार, नहीं रिवोक नहीं हो सकती। अगर अब एक दफा हो जाए फिर उस रेजोल्यूशन के ऊपर एक और रेजोल्यूशन आ सकती है, जो एक दफा मंजूर हो जाए वो वापस नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते। चलें छोड़ें, हम आगे चलते हैं। अगला जो हमने ऑर्गन पढ़ना है यूनाइटेड नेशंस का, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, दैट इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। नाउ सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है कि इसके 15 जजेस होते हैं इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के, आईसीजे का जो बेंच होता है, और एक जज की जो मुद्दत होती है वो 9 साल होती है। ठीक है, इसके जो जजेस के इलेक्शन होते हैं उसमें मिलके, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली मिलके हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और ओवर द ईयर्स ये देखा गया है कि 5 जो मेंबर्स होते हैं वो P5 की आप कह लें मर्जी से होते हैं, अकेले के वो उनकी मर्जी से होंगे या उन्हीं की कंट्री से होंगे, ज़रूरी नहीं है उनकी कंट्री से हो। अच्छा, 15 जो जजेस का जो बेंच है वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि पूरी दुनिया की रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर। ठीक है, इसका कहने का मेरा मतलब यह है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी सिविलाइजेशन है, कि एक कोई चाइनीज डिसेंट का हो, एक अफ्रीकन हो, एक लैटिन अमेरिकन हो, इस तरह जो है ना वो इस चीज़ को फैलाया जाता है कि 15 जजेस जो बैठे हुए हैं यूनाइटेड नेशंस की आईसीजे में वो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर। इसका वोटिंग क्राइटेरिया क्या होता है कि 2 फेजेस में आईसीजे की किसी भी केस की वोटिंग की जाती है। पहले फेज में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द बेंच होता है वो वोट नहीं करता। ठीक है, जो बाकी 14 जजेस होते हैं वो वोट। अगर पहले फेज में कोई मामला रिजॉल्व हो जाए तो फिर 15th बंदे को वोट नहीं करना पड़ता। ठीक है, 15th बंदे को वोट सिर्फ उस केस में करना पड़ता है जब टाई हो जाए 7-7, दैट्स इट, अदरवाइज दैट गाय डज नॉट वोट। स्ट्रक्चर क्लियर है? और क्या। अच्छा, अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की, कि इसके फंक्शन की, तो सीधी सी बात है, इनका फंक्शन है, सिंस इट इज़ अ जुडिशियल ऑर्गन तो इसने प्रोटेक्शन करनी है। तो इससे पहले कि हम आईसीजी की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस चीज को प्रोटेक्ट करती है? पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो देखें, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, वो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमारे कानून बने, जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर बना, जो हमारा सिविल प्रोसीजर बना, उसको फॉलो किया जाता है। तो ये जो है, आप कह लें कि अगर पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो पाकिस्तान के कानून को या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करती हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्ट्रिक्शन है, जुरिस्ट्रिक्शन होता है दायरा काल जो होता है कि जिसके तहत आप फैसला कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्ट्रिक्शन कौन तय करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आईसीजे की, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इट अपहोल्ड्स द लॉ ऑफ पाकिस्तान, तो व्हाट डज द यू नो आईसीजे होल्ड, वो किसके तहत फैसले करती है? बिल्कुल ठीक है, वो फैसले करते हैं इंटरनेशनल लॉ के तहत। ठीक है, नॉट जस्ट यूएन चार्टर। देखें, यूएन चार्टर इज जस्ट वन स्मॉल ट्रीटी। दुनिया में
जितनी भी ट्रीटीज होती हैं, जितने भी ममालिक के दरमियान जितनी भी आज तक ट्रीटीज हुई हैं, वो सब मिल के इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो पाकिस्तान के लॉ के तहत फैसले करती है, तो आईसीजे किसके तहत फैसले करती है? इंटरनेशनल लॉ के तहत। बट ये इंटरनेशनल लॉ होता क्या है? वट इज इट? What is international law? I'm asking you guys. No. देखें, international law. Okay, चले मैं आपको बताता हूं। एक document है जिसका नाम है स्टैच्यूट ऑफ आईसीजे, ठीक है, स्टैच्यूट ऑफ आईसीजे। अमना, ये आप क्या बोल रही हैं? आर्टिकल 35 और 370, ये आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हैं? प्लीज अपने आप को क्लियर करें, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक डॉक्यूमेंट है स्टैच्यूट ऑफ आईसीजे, वो ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि आईसीजे क्या होगी, किस तरह की कोर्ट होगी और किन किन लॉस पे ये फॉलो करेगी। अगर हम स्टैच्यूट ऑफ आईसीजे का डॉक्यूमेंट देखें और इसका अगर हम पढ़ें आर्टिकल नंबर 38, तो आर्टिकल नंबर 38 के अंदर ये बताया हुआ है कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। यानी कि अगर हम आर्टिकल 38 देखें तो उसमें यह बताया गया है कि जिस चीज़ को हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो जो तीन सबसे बड़े सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, यानी कि जिनको हम कंबाइंड सोर्सेज कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के, या मिल के कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ है, तो वो है ट्रीटीज, कस्टम एंड जुडिशियल डिसीजंस। ये जो तीन चीज़ें हैं ये मिल के क्या बनाती हैं? इंटरनेशनल लॉ। अब इसका मतलब क्या? दुनिया में जिन ममालिक के दरमियान ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो ट्रीटी हुई होती है, जैसे यूएन चार्टर, यूएन चार्टर इज वन ट्रीटी, वो क्या बन जाता है? पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कस्टम्स क्या होते हैं? जो रवायात होती हैं, जो बड़े पुरानी चलती आ रही हैं दुनिया के लिए, वो भी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। इसी तरह जो अदालती फैसले होते हैं, इंटरनेशनल अदालतों के जो फैसले होते हैं, वो भी बन जाते हैं किसका हिस्सा? इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा। तो इंटरनेशनल लॉ जो है ना, वो बड़ा डायनामिक इन नेचर एक लॉ है, जो कि हमेशा एक्सपैंड होता रहता है, क्योंकि नई नई ट्रीटीज दुनिया में बनती रहती हैं। तो वो नई ट्रीटीज जैसे ही बनती है, वो किसका पार्ट बन जाती है? इंटरनेशनल लॉ का पार्ट। तो दुनिया में इस टाइम जितनी भी ट्रीटी हुई है, वो ट्रीटीज क्या होती है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे यूएन चार्टर है, इट्स अ ट्रीटी, इट इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज नॉट द इंटरनेशनल लॉ, इट इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसी तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सीज, ये भी एक ट्रीटी है, ये भी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। इसी तरह आपने सुना होगा वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक राइट्स, ये भी एक ट्रीटी है, ये भी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। तो कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, कुछ ट्रीटीज दो ममालिक के दरमियान होती हैं। कुछ भी हो, वो किसका हिस्सा बन जाती है? इंटरनेशनल लॉ। ये तो होगी ट्रीटीज की एग्जाम्पल। बात करते हैं अब कस्टम्स की एग्जाम्पल। इंडस वाटर ट्रीटी, हाँ ठीक है, सही होगा। अब ये भी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा, इंडस वाटर ट्रीटी। कैसे? अफ्रीका के अंदर लेट्स से दो मुल्कों के दरमियान कोई लड़ाई हो रही है इस वाटर के ऊपर, तो वो अपनी अदालत के अंदर ये इसको रेफर कर रहे होंगे इंडस वाटर ट्रीटी, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल ट्रीटी। एनपीटी, यस, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, बिल्कुल, ये भी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। तो ये जितनी भी ट्रीटीज हैं, इन सबको अगर मिलाया जाए तो ये क्या बनता है? इंटरनेशनल लॉ। अब आपको समझ आई है इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? अच्छा, कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम ना कुछ रवायात होती हैं जो सदियों से चलती आ रही है। जैसे एक रवायत है बड़ी पुरानी, अब हमने पढ़ा होगा इस्लामिक स्टडीज में भी कि प्रॉफिट के टाइम की भी ये रवायत है कि जब एक मुल्क का एम्बेसडर, आपके दुश्मन का भी एम्बेसडर अगर आपके पास आता है, यू कांट किल, ठीक है। अब ये एक रवायत है और ये रवायत पुरानी चलती आ रही है, प्रॉफिट से भी पहले चलती आ रही है।
प्रॉफिट भी फॉलो किए, हम भी फॉलो करते हैं। तो कुछ कस्टम्स भी ऐसे हैं जो कि इतने पुराने हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ के हिस्से। इसी तरह फिर अदालतें जो कुछ फैसले कर रही हैं उन फैसलों को भी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा माना जाता है। ये होता है इंटरनेशनल लॉ। क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब इस इंटरनेशनल लॉ ने ही कुछ ज्यूरिस्डिक्शन डिसाइड की है। ज्यूरिस्डिक्शन होता है जो आपने क्या बताई थी, आपकी जो हदूद होती है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट का जो नाम बताया ना, आईसीजे का जो स्टैट्यूट है, आईसीजे के जो स्टैट्यूट में आर्टिकल 38 के अंदर क्या लिखा हुआ है, डिसीजन फ्रॉम ऑल द इंटरनेशनल कोर्ट्स। हम ना इंटरनेशनल कोर्ट्स जैसे आईसीजे है, जैसे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो डिफरेंट बने होते हैं दुनिया में, जैसे आईसीसी है, ये डिफरेंट कुछ कोर्ट्स हैं। आप में से किस किस का है इंटरनेशनल लॉ, किस किस का है? सब लोगों का। ओके, आईसीजे की जो ज्यूरिस्डिक्शन है, अच्छा ये जो इंटरनेशनल लॉ के लिए उन्होंने, उनको तो इससे कहीं ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बाय द वे, मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, आईसीजे की जो स्टैट्यूट है उसका आर्टिकल नंबर अगर हम 36 पढ़े ना, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसकी ज्यूरिस्डिक्शन क्या है। देर आर टू टाइप्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस्डिक्शन होती है आपकी हदूद क्या है। आपने हर कोर्ट की ना हदूद भी डिसाइड करनी होती है, आपने हर कोर्ट का दायरा कार डिसाइड करना होता है कि किस चीज़ों के फैसले ये कर सकते हैं और किस चीज़ों के फैसले ये नहीं कर सकते। दुनिया की हर कोर्ट का एक ज्यूरिस्डिक्शन होता है। पाकिस्तान की कोर्ट का भी है, आईसीजे का भी होगा। तो आईसीजे की कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन है मकान की नहीं, आर्टिकल 36 नॉट ऑफ द यूएन चार्टर बट ऑफ द आईसीजे स्टैट्यूट। ये भी एक डॉक्यूमेंट है, ये पढ़िएगा। लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 36 के अंदर क्या लिखा। आर्टिकल 36 ये कहता है कि दो किस्म की ज्यूरिस्डिक्शंस होती हैं आईसीजे की। एक को हम बोलते हैं कंपल्सरी ज्यूरिस्डिक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, अब पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, बिकॉज इट इज मच सिंपलर। एज द नेम सजेस्ट, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन, आपका जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोसॉक है, सेक्रेटेरिएट है, वो क्या कर सकते हैं, वो आईसीजे से मशवरा ले सकते हैं कि भाई हम जो काम कर रहे हैं या करने लगे हैं क्या ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है या इसके खिलाफ। यानी कि आईसीजे उनको लीगल एडवाइस दे सकता है। ठीक है, ये हो गया एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन एंड इट इज़ वेरी सिंपल। जो समझने वाली चीज़ है वो है कंपल्सरी ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, कंपल्सरी ज्यूरिस्डिक्शन एज द नेम सजेस्ट, ये वो ज्यूरिस्डिक्शन है जो कि अगर किसी एक चीज़ के ऊपर लग जाए तो आपको आईसीजे का फैसला मानना पड़ता है। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपल्सरी ज्यूरिस्डिक्शन। वन इज कॉल्ड वॉलंटरी ज्यूरिस्डिक्शन एंड अदर वन इज कॉल्ड द ऑप्शनल ज्यूरिस्डिक्शन। नाउ आई विल ट्राई टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल अबाउट इट। इस सिनेरियो को समझे, वॉलंटरी ज्यूरिस्डिक्शन नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या होगा। वॉलंटरी ज्यूरिस्डिक्शन ये होती है कि जब कंट्रीज वॉलंटरली आईसीजे के पास जाके ये कह दें कि हमें आपकी जो, आप कह लें कि फैसला जो है वो कबूल होगा, हमारे दरमियान ये इशू है, ये हमसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, आप इसको रिजॉल्व करें। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से कि इशू है बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, ये आजकल चल रहा है तो इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, दे आर फाइटिंग ओवर अ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड। अब उन दोनों ने नेगोशिएशन करके भी देख लिया, उन दोनों ने अब जंग करके भी देख लिया कि अभी भी रिजॉल्व नहीं हो रहा। लेट्स से दोस कंट्रीज गो टू आईसीजे। ठीक है, अब पहली बात यह है कि ये आईसीजे के पास इसलिए जाएंगी क्योंकि उस चीज़ के ऊपर, यानी कि उस इशू के ऊपर कोई ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर तो कोई ट्रीटी एग्जिस्ट करती है तो फिर तो उसके मुताबिक फैसला होगा, मतलब वो खुद ही उसके मुताबिक फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है दुनिया में जिसके ऊपर कोई ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आईसीजे के पास जाया जाता है।
अच्छा ये अजान होने दीजिए, मैं फिर आई विल गेट बैक। तो किसी के ऊपर एडवाइजरी जो स्टेशन में पूछा था, चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि एडवाइजरी जो रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि जो बाकी ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो आईसीजे से पूछ सकते हैं कि उनके किया हुआ इकदाम, से जनरल असेंबली कोई रेजोल्यूशन पास करने लगा है, तो आईसीजे से पूछ सकता है कि ये रेजोल्यूशन इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ तो नहीं है। अगर लेट्स से सिक्योरिटी काउंसिल कोई रेजोल्यूशन पास करने लगा है, तो वो ये पूछ सकता है कि ये इसके खिलाफ तो नहीं है, तो सिर्फ एडवाइस ली जाती है। लेकिन जो हमने चीज़ समझनी है, दैट इज़ कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन। नाउ कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी, लेट्स से आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, जब वो उनके दरमियान एक इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, दे गो टू द आईसीजे, बोथ ऑफ देम, एंड बोथ ऑफ देम सेज कि दिस इज़ अ लीगल इशू, दिस हैज़ टू बी अ लीगल इशू। पहली दफ़ा आईसीजे के पास आप कोई पोलिटिकल इशू लेके नहीं जा सकते, आईसीजे के पास अगर आप जाएंगे तो लीगल इशू लेके जाएंगे, ठीक है। अगर कोई वाकई वो लीगल इशू होता है और वो दोनों पार्टीज़ कह देती हैं कि हाँ हमें आईसीजे का फैसला मंजूर होगा, तब आईसीजे फैसला करेगा। अदरवाइज लेट से कोई एक कंट्री जाती है आईसीजे के पास, और अगर आईसीजे फैसला कर भी देता है तो वो फैसला बाइंडिंग नहीं होगा। आईसीजे का फैसला अंडर वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन तब तक बाइंडिंग नहीं होता जब तक उस मामले से के जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन मान ना ले। ये बात आपको क्लियर हुई है वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन में, कि वॉलंटरली कंट्रीज को ये कहना होता है, उनको आईसीजे को रिटर्न देना होता है कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर डिसीजन, और फिर वो डिसीजन बाइंडिंग होता है। और जब आप एक दफ़ा कह देते हो कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर डिसीजन, फिर अब यू कांट टेक इट बैक, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन में किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज मुझसे पूछें। चले, वेरी गुड, इफ इट्स क्लियर दैट्स गुड। अगली आती है ऑप्शनल, वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यह है इफ द कंट्रीज ऑल ऑफ द पार्टीज रिलेटेड टू अ लीगल इशू, इफ ऑल ऑफ देम गो एंड टेल आईसीजे दैट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट वट एवर डिसीजन दैट यू गाइज मेक, उसको बोलते हैं वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन। कि कंट्रीज ने वॉलंटरली आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन मानने के लिए एग्री किया, ये होती है वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन। समझ आ गई? अब आते हैं ऑप्शनल ज्यूरिसडिक्शन की तरफ। अब नाम से तो ये जाहिर होता है कि ऑप्शनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि अगर ये ज्यूरिसडिक्शन मान ली जाए तो ठीक है, ये ना मान ली जाए तो ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट्स ऑप्शनल। नहीं, ऐसा नहीं। नाम थोड़ा सा वो है, टेढ़ा सा है। ऑप्शनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि द ज्यूरिसडिक्शन विच इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। देखें अब फ़र्क क्या है वॉलंटरी और ऑप्शनल ज्यूरिसडिक्शन में। वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन उन मामलात के ऊपर एप्लीकेबल होती है जिनके ऊपर कोई ट्रीटी लिखी हुई नहीं होती, जिनके ऊपर ऑलरेडी कोई फैसला नहीं हुआ होता, ठीक है, वो उनकी चीज़ों के ऊपर वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आज आप कह लें कि पाकिस्तान के ना बॉर्डर के, जो पाकिस्तान का मैरीटाइम बॉर्डर है यानी पाकिस्तान को जो समंदर है उसके करीब एक जजीरा जो है नमोदार हो जाए, ठीक है, और ओमान भी उसको क्लेम करता है और पाकिस्तान भी उसको क्लेम करता है क्योंकि हमारा मैरीटाइम बॉर्डर लगता है बाय द वे ओमान के साथ, ठीक है। अब बात यह है कि वो एक नया जजीरा है और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ट्रीटी नहीं है, कभी कुछ हुआ नहीं ना इस तरह के, कोई जजीरा पहले तभी सामने आया है। तो जब एक कोई ऐसा नया वाकया होता है ना, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हुई होती, उसके ऊपर वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन रहती है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शनल ज्यूरिसडिक्शन है ना, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सर्टेन ट्रीटी इन अ रिटन फॉर्म, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में
एक ट्रीटी साइन की जाती है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, एक नई ट्रीटी साइन की जाती है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, बल्कि पाकिस्तान चाइना को छोड़ें, पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी तो होगी या पुरानी, ठीक है, लेट्स से पाकिस्तान और इंडिया से इसके इंडस वाटर ट्रीटी को कर देते हैं ख़त्म, लेट्स मेक अ न्यू ट्रीटी। ठीक है, और उस ट्रीटी में वो ये लिख देते हैं कि पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इंडिया की ये सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो उस ट्रीटी में ये भी लिख देते हैं कि अगर इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान वाटर से रिलेटेड कोई भी इशू हुआ तो वो मैटर कौन रिजॉल्व करेगा, आईसीजे रिजॉल्व करेगा। अब आपने अपनी ट्रीटी के अंदर खुद ही लिख दिया है कि हमारे दरमियान होने वाला वाटर डिस्प्यूट आईसीजे सॉल्व करेगा, दैट इज़ ऑप्शनल ज्यूरिसडिक्शन। ऑप्शनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है कि आप आईसीजे को लिख के दे दो, आप उनको कह दो कि ये वो मामलात हैं जिसमें आपने हमारे लिए क्या करना है, फैसला करना। तो अब कल को अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई वाटर डिस्प्यूट होगा तो सीधी ज्यूरिसडिक्शन किसके पास जाएगी, आईसीजे के पास जाएगी। आईसीजे फिर जो भी फैसला करेगा वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को मानना पड़ेगा। फिर बाद में इंडिया और पाकिस्तान ये नहीं कह सकते कि वी डू नॉट एग्री विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे। क्यों? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन इट इन योर ओन ट्रीटी दैट यू एक्सेप्ट देयर ज्यूरिसडिक्शन। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, इसलिए आई हैव बीन बिट स्लो। मुझे बताएं कि वॉलंटरी और ऑप्शनल क्लियर हुआ है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलें, अब हम बात करते हैं कुलभूषण यादव की केस की। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कुलभूषण यादव का जो केस है, इज इट वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन, अंडर वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन, और इट कम्स अंडर ऑप्शनल ज्यूरिसडिक्शन? एंड गिव मी विद अ रीजन, अगर जिसको पता है मुझे रीजन के साथ बताएं, जो जो बोल रहा है। वेरी गुड, ठीक है फिरोज, बिल्कुल ठीक है आपने बताया। देखें, कुलभूषण यादव का जो केस है वो लोग ये समझ, एक कॉमन परसेप्शन ये है कि इट फॉल्स अंडर वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन, इट डज नॉट। ठीक है, इट फॉल्स अंडर ऑप्शनल ज्यूरिसडिक्शन। नाउ हमने देखना ये है कि नो फातिमा, इट इज़ ऑप्शनल ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज इट हैज़, इट फॉलोज अ सर्टेन ट्रीटी जिसके बारे में मैं भी बात करने लगा हूँ। जैसे मैंने आपको बहुत से ट्रीटी का नाम बताया, एक ट्रीटी ऐसी थी जिसको साइन किया गया जिसका नाम था VCCR, ठीक है, 1963 के अंदर ये ट्रीटी साइन की जाती है। इसका नाम था वियना कन्वेंशन ऑन द काउंसलर रिलेशन। ठीक है, जवान में बता रहा हूँ, मुझे मौका तो देना बताने का। VCCR एक ट्रीटी साइन की गई 1963 में, और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इसकी सिग्नेटरी। VCCR स्टैंड्स फॉर वियना कन्वेंशन ऑन द काउंसलर राइट्स। द काउंसलर्स कौन लोग होते हैं? जो के आपके फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, काउंसलर्स यूजली वो लोग होते हैं जो कि किसी दूसरी कंट्री के अंदर बैठ के अपनी कंट्री का ट्रेड रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, या आप लोग देखते हैं ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर काउंसलेट्स होती हैं, पिशावर के अंदर काउंसलेट्स हैं, कराची के अंदर काउंसलेट्स हैं, लाहौर के अंदर काउंसलेट्स हैं, तो काउंसलेट्स के अंदर कौन बैठता है? काउंसलर्स बैठते हैं। तो उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रेगुलेट करने के लिए क्या हुआ, एक VCCR बनाई गई 1963 में, वियना कन्वेंशन ऑन द काउंसलर रिलेशन। और दुनिया ने, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ने इसके ऊपर साइन किया, यानी कि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एग्रीड ऑन वट एवर वॉज रिटन इन VCCR। VCCR के साथ एक और डॉक्यूमेंट भी था, यानी कि VCCR के अंदर ये भी लिख दिया था उन्होंने कि अगर काउंसलर रिलेशन से रिलेटेड कोई भी दुनिया में इशू अराइज होता है ना, तो उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो किसके पास चली जाएगी, वो आईसीजे के पास चली जाएगी। ठीक है, इट इज रिटन इन VCCR। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कुलभूषण यादव को हमने तो स्पाई कहा था, तो एक स्पाई को काउंसलर राइट्स कैसे मिल सकते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल आपका डाउट बिल्कुल ठीक है। कुलभूषण यादव के केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ ताकि जिसको नहीं पता। हुआ ये था कि एक हमने पकड़ा था
बलूचिस्तान के बॉर्डर से एक स्पाई को हमने पकड़ा और उसको हमने फांसी की सज़ा सुना दी। इंडिया गया आईसीजे के पास और इंडिया ने क्लेम किया कि ये बंदा स्पाई नहीं था, ये बंदा इंडियन है, यस एंड ही इज़ अ बिजनेसमैन और ये वहाँ पे ट्रेड करता है फॉर इंडिया, ठीक है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। तो इसके ऊपर कौन सी ट्रीटी लगती है? VCCR, क्योंकि जब आपकी एक कंट्री का ट्रेडर दूसरी कंट्री में जाता है ना, तो ऑफकोर्स उसके कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। अब अगर इंडिया ने ये क्लेम किया कि इसके ऊपर VCCR लगती है, तो ICJ ने पहले तो ये देखना था कि क्या इसके ऊपर VCCR लगता भी है या नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि ICJ ये फैसला नहीं कर सकता था कि ये बंदा स्पाई है या नहीं। ये ICJ का काम नहीं है बताना आपको। स्पाई जो होती है ना, वो एक आप कह लें एक पॉलिटिकल टर्म है जनक। जो अंडर ड्यूरेस कन्फेशन होते हैं ना, वो माने नहीं जाते। नासिर, मैंने अभी आपको बताया है दिस वॉज एन ऑप्शनल ज्यूरिस्डिक्शन, और ऑप्शनल ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है कि कंट्रीज ने ट्रीटीज में साइन किया होता है। पाकिस्तान इंडिया दोनों ने VCCR पे साइन किया हुआ है, तो अगर VCCR का इशू है तो ICJ के पास जाएगा, ठीक है। तो पहला फैसला ICJ ने ये करना था कि क्या इस बंदे के ऊपर वाकई ICJ फॉलो हो लग, वो VCCR लगता भी है या नहीं। तो उन्होंने फैसला क्या किया कि हाँ इसके ऊपर लगता है, और उन्होंने किस बेस के ऊपर फैसला किया? बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स। पाकिस्तान ने कहा कि ये स्पाई है, ICJ ने आगे से कहा कि हम ये आपको नहीं बता सकते कि ये स्पाई है या नहीं है, ये फैसला पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने करना, हमारी ज्यूरिस्डिक्शन में आपको ये बताना नहीं है कि ये स्पाई है या नहीं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ICJ लीगल मैटर्स के ऊपर बात करता है, पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर बात नहीं करता। कौन स्पाई है कौन नहीं है ये तो एक पॉलिटिकल मैटर है। तो ICJ ने बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स ये फैसला किया कि इस बंदे के ऊपर इसको काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए, जो इंडिया मांग रहा है। इंडिया कह रहा था कि इस बंदे तक हमें रसाई दो, पहली बात, और दूसरी बात इंडिया ने ये भी कहा था कि इस बंदे को छोड़ दिया, ठीक है। ICJ ने फैसला ऐसा किया कि पाकिस्तान भी खुश था और इंडिया भी खुश था। उस बंदे को काउंसलर एक्सेस मिल गई, यानी कि उस बंदे तक अब इंडिया की एम्बेसी की रसाई हो गई। और दूसरा, पाकिस्तान की जीत इसलिए थी कि ICJ ने यह कहा कि हम इस बंदे के लिए ये फैसला नहीं कर सकते कि इसको छोड़ दिया। ये फैसला पाकिस्तान की अदालत भी कर सकती है। हमने आप बताएं पॉलिटिकल इश्यूज को कौन डील करता है, इतना हमने पढ़ लिया अभी तक। सिक्योरिटी काउंसिल करता है और कौन करता है? तो ICJ ने फैसला ये किया कि इस बंदे के ऊपर VCCR लागू होता है, इस बंदे को काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए, पाकिस्तान ने VCCR की खिलाफ वर्जी की है, और पाकिस्तान को चाहिए कि इस बंदे को अपील का मौका दे, यानी कि अगर ये अपने सजा के खिलाफ अपील करना चाहता है तो इसको मौका दिया। ये फैसला किया था ICJ, तो ये गिरता है अंडर ऑप्शनल ज्यूरिस्डिक्शन। तो पाकिस्तान का लॉ चेंज हो जाएगा फिर। ICJ ने अगर एक फैसला किया है तो हमारे पर बाइंडिंग है, तो वो मानना पड़ेगा, ठीक है। चल, नाउ वी आर डन विद ICJ, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, ऑल ऑफ इट। लेट्स डिस्कस के सक्सेसेस क्या है और फेलियर्स क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की। मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस, आपको मैं कुछ बताऊंगा सक्सेसेस और फेलियर्स, और यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी पहली असाइनमेंट क्या है। यू नीड टू गिव मी अ 20 मार्क्स क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज राइट डाउन, आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है। यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज द सक्सेसेस एंड द फेलियर्स, ठीक है, ऑन द क्रिटिकली एनालाइज द सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये आपका सवाल है, ठीक है। इसके ऊपर 20 नंबर का आपने सवाल का मुझे जवाब लिख के देना और आपने मुझे ईमेल करना, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ इट्स सक्सेसेस। पहली इसकी बहुत बड़ी सक्सेस ये है कि जब से UN बना,
दुनिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है, एंड विच इज़ ट्रू, बिल्कुल हुई है। आज से हम अगर 1945 से पहले की दुनिया देखें ना, तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो थे और जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थी वो बहुत सिवियर थी। लेकिन इनके बनने के बाद क्या हुआ कि कम अज़ कम जो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बहुत कम हो गया दुनिया में, ठीक है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस ने पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, फैमन को ख़त्म करने के लिए, आप कह लें पैंडमिक्स को ख़त्म करने के लिए, कुछ बीमारियों को ख़त्म के लिए बहुत काम किए, ठीक है। अफ्रीका जैसी नेशन में ख़ास तौर पे, जहाँ पे फैमन का और पॉवर्टी का बहुत प्रॉब्लम है, चाइना के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने फैमन को और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए बहुत काम किए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से इन्होंने ऐसे काम किए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। ना ये तो मैं नहीं कह सकता, एक्चुअली आपको मैंने हर एस्पेक्ट से समझाने की कोशिश की है। अब इसके ऊपर यूजली एसेज आया करते हैं इसकी, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, जिसमें आपको टॉपिक बताया ना, यूजली ये ऐसे आता है 100 नंबर, ठीक है। ये आया हुआ एक दो दफा यूएन के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि फैमन को ख़त्म किया, पॉवर्टी को ख़त्म किया। इसके अलावा यूएन वो वाहिद बॉडी है दुनिया की जिसने ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक कंसेंसस पैदा किया, ठीक है। मतलब कि देखें, दुनिया में और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने पूरी दुनिया को इकट्ठा करके कहा हो कि हमने ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू को रिजॉल्व करना, यानी कि ग्लोबल लेवल के जो इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने में बहुत मदद की है इसने। चौथे नंबर पर, it has largely contained the proliferation of weapons of mass destruction. Now, what does that mean? It means के जो weapons of mass destruction होते हैं उनके खात्मे के लिए, या उनके आप कह लें कि बढ़ाव के खात्मे के लिए, their spread, उनको उसने बहुत रोका। weapons of mass destruction ना तीन किस्म के होते हैं, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, ये तीन किस्म के होते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी कोशिशों से ओवर द ईयर्स केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को बैन करार दे दिया है और पूरी दुनिया में अब लीगल इस्तेमाल नहीं हो सकता केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का, और इतना ज़्यादा होता भी नहीं। वी हेयर इट वेरी फ्यू टाइम्स कि किसी ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। जैसे हमने सीरिया के अंदर सुना था, एलिगेशन लगा था कि सीरिया के प्रेसिडेंट के ऊपर कि उसने अपने ही लोगों के खिलाफ सैरन गैस इस्तेमाल किया, तो वो एक केमिकल वेपन था। तो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन तो उन्होंने बैन करवा दिया। तीसरा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है न्यूक्लियर, ठीक है। अब इस टाइम जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, न्यूक्लियर जो है सिर्फ दुनिया में 9 कंट्रीज़ के पास, ठीक है। 5 को वो कहता है कि लीगल है, बाकी 4 का लीगल नहीं। लेकिन आप ये देखें कि 215 कंट्रीज़ हैं दुनिया में और सिर्फ 9 कंट्रीज़ के पास एटॉमिक बॉम्ब, और इसका बहुत बड़ा रोल जाता है यूनाइटेड नेशंस कि उसने रोका। व्हाट इज WBD? ओके, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग मिशंस हैं, खास तौर पे जो अफ्रीका के अंदर जो इनके पीस कीपिंग मिशंस काम कर रहे हैं, उसने अफ्रीका की हालात को स्टेबलाइज करने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। And one of the successes also, Gulf War जो हुई थी 1990s में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इराक के अगेंस्ट, I think आपको मैंने नहीं बताया, गल्फ वॉर वो थी जो कि 1990 में लड़ी गई थी बिटवीन इराक एंड कुवैत, ठीक है। इराक के अगेंस्ट पूरी दुनिया, यानी कि सारी की सारी P5 खड़ी हो गई थी। इराक दुनिया की वाहिद कंट्री है जिसके खिलाफ ना सिर्फ आर्टिकल 42 बल्कि आर्टिकल 43 भी अप्लाई हुआ, यानी कि उनके ऊपर ना सिर्फ सैंक्शंस लगाई गई थी बल्कि उनको आप कह लें कि उनके खिलाफ मिलिट्री जंग भी लड़ी गई। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक फ़ौज तैयार की और उस फौज को उन्होंने इराक के खिलाफ जंग के लिए भेजा और वो जीत भी गया। ये बहुत बड़ी सक्सेस थी उस टाइम की दुनिया की, ठीक है।
अच्छा फेलियर्स की बात करते हैं, फेलियर्स के बाद जो है फिर हम लेंगे ब्रेक, ठीक है? ओके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ सक्सेसेस मैंने आपको बताएंगे। आपने जब मुझे असाइनमेंट देंगे तो प्लीज़ ये मत कीजिएगा कि मेरी ही बताई हुई सिर्फ सक्सेसेस और मेरे ही बताए हुए सिर्फ फेलियर्स आप मुझे ला कर लिख दें। अपनी रिसर्च ज़रा करनी है, आपको रिसोर्सेज मैं बता चुका हूँ, ठीक है? आई नीड अ वेरी वेल रिटन आंसर, ठीक है? अच्छा इसके फेलियर्स क्या हैं? मैंने फेलियर्स बहुत जेनेरिक नहीं लिखे, बड़े स्पेसिफिक लिखे हैं, लेकिन आपने थोड़े से जेनेरिक लिखे। देखें ये रवांडा का जेनोसाइड क्या था कि 1994 में हुआ, जो कि बहुत बड़ा फेलियर है यूएन का, क्योंकि रवांडा के अंदर यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी दो ट्राइब्स के दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं। तो कुछ 6 या 7 लाख लोग मारे जाते हैं 1994 में, ये बहुत बड़ा फेलियर था। इसी तरह ओवर द ईयर्स हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पैंडमिक्स आए, जैसे देखें आजकल जो एक पैंडमिक आया दैट आल्सो शोज द फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन वाजंट रेडी फॉर दैट, शोज अ फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशन। देन दुनिया में कई ऐसी मौके आए कि जब जेनोसाइड हुआ, ठीक है, कौमों को एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश की गई, जैसे बोस्निया का जेनोसाइड हुआ, जैसे रोहिंग्या का जेनोसाइड हुआ, जैसे कश्मीरियों का जेनोसाइड हो रहा है, जैसे पैलेस्टीनियंस का जेनोसाइड हो रहा है। ये सब मसाइल जो हैं दे ऑल शो फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है? इसके अलावा जो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी मौजूद नहीं है यूनाइटेड नेशंस के पास। और जो एक बहुत बड़ा फेलियर है कि सिक्योरिटी काउंसिल को मिसयूज़ किया जाता है। जब हम सिक्योरिटी काउंसिल पढ़े थे मैंने आपको बताया था कौन मिसयूज़ करता है, द P5, ठीक है? चले अब आप लोग ले लें 20 मिनट की ब्रेक, ठीक है? इट्स 7:37, आप 7:57 तक आ जाइएगा। अच्छा जो जो मैंने रिसोर्सेज बताए थे वो ज़रा दोबारा जो है ना इधर लिखते हैं सबके लिए। थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम करने की कोशिश करते हैं। ओवर द ईयर्स खास तौर पे आखिरी 20-22 सालों के अंदर 2-3 ऐसे बड़े वाक़यात हुए हैं जिनकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी के ऊपर हमेशा एक कंटेस्ट रहेगा, ठीक है? जैसे USA का अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना, क्या ये लीगल था या इलीगल था? हम UN के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, ठीक है? USA का इराक के ऊपर अटैक करना, क्या ये लीगल था या इलीगल था, ठीक है? जब हम लीगल या इलीगल कहते हैं तो वी व्हाट डू वी टॉक अबाउट, वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल लॉ। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल लॉ ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव टू टॉक अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा भी इससे पहले भी कुछ ऐसी इंटरवेंशन हुई थी जिसको हमें, ठीक है, ये आप लोगों की नॉलेज के लिए ताकि आप लोगों को पता हो कल के USA ने क्या क्या रोल प्ले किए हैं दुनिया में अमन कायम करने के लिए। अब पहले बात करते हैं पहली जो इंटरवेंशन, फर्स्ट वन इज नेटो इंटरवेंशन इन कोसोवो इन 1999। अच्छा नेटो इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे जो कि यूरोसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं और ये एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है? हुआ ये था कि 1999 में कोसोवो के अंदर, ठीक है, कोसोवो के अंदर मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा, उस टाइम नई नई ये कंट्रीज़ बनी थी, ये स्लोवेनिया, कोसोवो, यूगोस्लाविया, ये सब नई नई कंट्रीज़ बनी थी। इस कंट्री के अंदर जो मुसलमान थे वो माइनॉरिटी में थे और जो क्रिश्चियंस थे, जो कैथोलिक्स थे या जो बाकी जिसकी तबके से ताल्लुक रखते थे क्रिश्चियंस, वो मेजॉरिटी में थे। तो कोसोवो के अंदर मुसलमानों को, मुसलमानों की जो तादाद थी उनको थ्रेट समझा था, ठीक है? उन्होंने कहा कि वी शुड एक्सटर्मिनेट मुस्लिम्स बिकॉज दे आर अ थ्रेट अगेंस्ट आर कल्चर एंड अगेंस्ट आर रिलीजन।
यही हुआ बोस्निया के अंदर, यही हुआ कोसोवो के अंदर। आपको यकीनन बोस्निया का कम से कम सुना आपने जरूर होगा कि बोस्निया किसी मुल्क का नाम है या किसी इलाके का नाम है। कोसोवो भी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। दोनों केसेस के अंदर मुसलमानों को जेनोसाइड करने की कोशिश की जाती है और किया जाता है। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है कि मुसलमानों की नस्ल कशी करने की कोशिश की जाती है। नस्ल कशी होता है इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ द होल नेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, आपके सामने जो है आपने उसको मार दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये यह आता है कि क्या यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे इंटरवीन कर सकता था, बिकॉज वट एवर हैपनिंग वॉज हैपनिंग विद इन वन कंट्री, यानी कि अपने ही कंट्री के लोग अपनी ही कंट्री के मुसलमानों के खिलाफ होते। जैसे आप देखें, जैसे इंडिया, इंडिया में इंडिया की अपनी ही आवाम, इंडियंस जो कि मुसलमान हैं उन्हीं के खिलाफ होते। तो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है ना, वो बड़ा क्लियर है, ठीक है। देर आर टू आर्टिकल्स विच यू गाइज नीड टू नो, ठीक है, जिनको बोला जाता है आर्टिकल्स ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है। आर्टिकल ऑफ नॉन इंटरवेंशन में पहले आता है आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 24 ये कहता है, यस बिल्कुल सेम थिंग हैपनिंग इन बर्मा टू। आर्टिकल 24 ये कहता है यूएन चार्टर का कि यूनाइटेड के कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये है आर्टिकल 24। जो दूसरा आर्टिकल ऑफ नॉन इंटरवेंशन है वो है आर्टिकल नंबर 27, ठीक है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि यूनाइटेड नेशंस किसी कंट्री के इंटरनल मामलों में नहीं दखलंदाजी कर सकते, ठीक है। ये कब लिखे गए थे, 1945 में, जब इसका चार्टर बनाया था। दुनिया बड़ी बदल गई है। बात ये है कि जो कुछ कोसोवो और जो कुछ बोस्निया के अंदर हो रहा था वो था तो बिल्कुल इंटरनल मैटर, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इट वॉज वायलेटिंग वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने अपने पर्पस में क्या कहा कि हम इंसानों के राइट्स का ख्याल रखेंगे, तो ये जो मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड हो रहा था दिस वॉज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो क्या यूनाइटेड नेशंस को इंटरफेयर करना चाहिए था? एक तरफ उनके पास था कि उन्होंने उन्होंने इंसानों के हकूक़ की हिफाजत करनी है, दूसरी तरफ ये था कि अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो वो तो उनके इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस होगी, तो वो क्या करें। इस मैटर को जब सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा गया तो उस टाइम रशिया ने इसको वीटो किया, ठीक है। रशिया ने कहा कि हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखें, जो सीधी सीधी चीज़ें होती हैं ना, मुझे प्लीज़ वो रिपीट करने को ना किया कीजिए, एक दफ़ा सुन लिया कीजिए। आई गेट इट, आई यू नो आई रिपीट एवरी थिंग ऐसे, लेकिन कम से कम सीधी चीज़ें तो एक दफ़ा सुन लिया। आर्टिकल 24 ये कहता है कि कोई कंट्री, नो वन कंट्री कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ एनी अदर कंट्री, ठीक है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि यूनाइटेड नेशंस कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ एनी अदर कंट्री। एक आर्टिकल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस दो कंट्रीज के बारे में, और दूसरा जो है वो यूनाइटेड नेशंस और कंट्रीज के बारे में। क्लियर है? तो उस टाइम में प्रॉब्लम ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के सामने जब ये मामला रखा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारी इंटरफेरेंस हो जाएगी उस कंट्री के मामलात के अंदर, ठीक है, तो हम नहीं करेंगे। नेटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताई थी यूरोप की, उसने इंटरफेयर किया। नेटो सेव्ड मुस्लिम्स फ्रॉम द जेनोसाइड, नेटो प्रोटेक्टेड मुस्लिम्स। अब यूनाइटेड नेशंस के सामने एक बड़ा लीगल प्रॉब्लम आ गया है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम था कि क्या हमें नेटो को सज़ा देनी चाहिए, जो नेटो की कंट्रीज उनको सज़ा देनी चाहिए नहीं, क्योंकि किसी कंट्री के ऊपर हमला करने की इजाज़त जो है वो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के पास है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। तो देखना ये था कि नेटो ने जो किया क्या वो ठीक किया। तो उस टाइम पे सिक्योरिटी काउंसिल ने नेटो को कंडेम नहीं किया, तो उससे ये प्रेसिडेंट सेट हुआ कि अगर ह्यूमन राइट्स की बेस को किसी कंट्री के अंदर इंटरफेयर किया जाए तो वो लीगल होगा, लेकिन सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बेस पर। बट देन अगेन, ये जो क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स का, इट इज़ वेरी वेग, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। इस तरह तो कोई भी कंट्री
किसी भी मामले को ह्यूमन राइट्स की इंटरवेंशन बना के इंटरफेयर कर सकता है, तो ये जो मामला है ये बहुत सेंसिटिव, इसको केस टू केस देखा जाता है और ये वेरी करता है. यू कॉन्ट जस्ट यू नो क्लेम दैट यू एंटर्ड इन टू अ कंट्री बिकॉज यू वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री. बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि चूँकि नेटो ने जो इंटरफेरेंस की थी वो सिर्फ मुसलमानों की जिंदगियां बचाने के लिए की थी, उनका और कोई पर्पज नहीं था. दे इंटरफेयर्ड एंड दे केम आउट, तो यूनाइटेड नेशंस ने उसको कहा कि ये लीगल, उसको इलीगल नहीं. ठीक हो गया, ये थी हमारा पहला केस, यानी कि दैट वाज अ लीगल इंटरवेंशन. दूसरा मैं जिसकी बात करना चाहूँगा, अच्छा चले अर्शिया, देखे जब यूएसएसआर टूटा था ना तो बहुत ही नई कंट्रीज बनी थी, आज वो कंट्रीज भी नहीं है, आज वो भी टूट चुकी है. ठीक है, तो उस टाइम कंट्रीज का सेटअप ऐसा बना था कि बहुत सी जो कौमें थी वो इकट्ठी रहती थी, उसमें सर्ब्स, ठीक है थैंक यू, सर्ब्स आते थे, उसमें स्लैब्स आते थे. सर्ब्स वो हैं जो अपने आप को आज सर्बियंस कहते हैं, ठीक है, स्लैब्स वो हैं जो अपने आप को आज स्लोवेनियंस कहते हैं, और फिर क्रॉट्स वो हैं जो अपने आप को आज क्रोएशियंस कहते हैं. ठीक है, इन सब ने मिल के जो मुसलमान थे उस कंट्री के, उनके खिलाफ एक जंग का आगाज किया अपने ही कंट्री के लोगों ने, बिकॉज इनको लगता था कि मुसलमानों की जो एग्जिस्टेंस है इट इज़ अगेंस्ट आर कल्चर एंड इट इज़ अगेंस्ट आर रिलीजन, दैट्स दिस इज़ व्हाट आई सेड. ठीक है, अच्छा दूसरी जिस इंटरवेंशन की मैं बात करना चाहूँगा, दैट इज इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन अफगानिस्तान. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्या हुआ कि 9/11 में अलकायदा नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 में अमेरिका के अंदर अटैक किया. ठीक है, दे प्लान टू अटैक 3 डिफरेंट डेस्टिनेशंस इन अमेरिका. दे प्लान टू अटैक वाइट हाउस, दे प्लान टू अटैक पेंटागन, एंड दे प्लान टू अटैक द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उन्होंने सक्सेसफुली अटैक किया, उनको वाइट हाउस तक नहीं पहुँचने दिया गया, और पेंटागन तक भी वो पहुंच गए लेकिन उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना वो पहुंचाना था. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि वाइट जो भी अटैक हुए थे अलकायदा की तरफ, वो एक टेररिस्ट आउटफिट ने किया, वो किसी मुल्क ने नहीं किया. 15 लोग इन्वॉल्व थे इस अटैक के ऊपर, और उन 15 में से एक भी बंदा, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान. ठीक है, नॉट अ सिंगल गाय इन दैट अटैक इन्वॉल्व, जो थे अंदर इन्वॉल्व, उनमें से एक भी बंदा अफगानी नहीं था. उसमें मेजॉरिटी जो लोग थे वो सऊदी अरब से ताल्लुक रखते थे मेजॉरिटी, और बाकी जो है वो किसी अफ्रीका की कंट्री से ताल्लुक, अपने पाकिस्तान से आई डोंट थिंक कोई बंदा था, मुझे नहीं याद था. खैर हुआ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, जी बिल्कुल सूडान से भी गया. यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि चूंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे ऊपर हमला किया है, एंड दैट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके आउटफिट्स है अफगानिस्तान के, तो उन्होंने पूरे के पूरे अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, यानी कि उन्होंने ऐलान जंग जो किया, उन्होंने जो तबाही बर्बादी की अलकायदा के नाम पर, वो पूरे अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान की आवाम की थी. विच डजंट मेक एनी सेंस, आप किसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन को एक कंट्री के साथ कैसे एट्रीब्यूट कर सकते हो, यू कांट डू इट. अब टेररिस्ट आउटफिट्स तो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, कई ऐसी प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको हमने बैन किया हुआ है, क्योंकि बिकॉज दे आर इन्वॉल्व सम हाउ इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अराउंड द वर्ल्ड. अब मुझे ये बताएं कि कल को अगर वो कोई हरकत करती हैं, क्या उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की स्टेट होगी, नहीं नहीं होगी, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग ऑन आर बिहाफ. तो अलकायदा जो है didn't act on behalf of the Afghanistan nation, they didn't. जो अलकायदा के ऊपर अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, जो अटैक किया यूनाइटेड स्टेट्स ने और नेटो ने मिलकर, वो इलीगल. क्यों? क्योंकि उस टाइम यूनाइटेड नेशंस ने कोई डायरेक्ट रेजोल्यूशन पास नहीं की थी कि जिसने उन्होंने ये कहा हो कि यूनाइटेड स्टेट्स को इजाज़त है कि वो जाके इस तरह कर सकते. हाँ, ये रेजोल्यूशन ज़रूर पास की गई थी कि जहाँ से टेररिज्म ओरिजिनेट होता है वहाँ जाके ही टेररिज्म को मारा जाए, बट ये यूनाइटेड नेशंस ने कहा, तो पूरी यूनाइटेड नेशंस की ये जिम्मेदारी थी.
अकेला यूनाइटेड स्टेट्स जाके नहीं कर सकता था, सो दैट वाज एन इलीगल इंटरवेंशन व्हाटएवर दे डिड। ठीक है, तीसरे जिस इंटरवेंशन की मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने की इराक 2003 में टू टॉपल सदाम हुसैन। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ने इल्ज़ाम लगाया इराक के ऊपर दैट इराक हैज़ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड विच इज़ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जी असद बिल्कुल थी, बट वो यूएन का हिस्सा नहीं थी, वो नेटो का हिस्सा थी। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अटैक इनिशिएट नहीं हुआ था ऑन अफगानिस्तान। नेटो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होती है। अच्छा, 2003 में इराक के ऊपर इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक किया बिकॉज उन्होंने कहा कि इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो उस टाइम यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने कहा कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना कि किसी कंट्री के पास एटॉमिक बॉम्ब है या नहीं वो हमारा काम है, यानी कि वो यूनाइटेड नेशंस का काम। एंड ही सेड कि वी डिड इन्वेस्टिगेट कि क्या इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है या नहीं, एंड वी डिड नॉट फाइंड एनी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये भी कहा यूनाइटेड नेशंस ने कि अगर इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते भी तो उनको ख़त्म करने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस की थी, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स। तो कहना वो ये चाह रहे थे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक्सक्यूज बना के इराक पे हमला किया है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो अफेयर्स होते हैं उनका देखना का जो काम है वो पूरे के पूरे यूनियन का, ना कि किसी एक कंट्री, ठीक है। एक कंट्री का किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर जो अटैक करना है वो बैन है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अंदर। यू कैन नॉट अटैक एनी कंट्री, यू कैन जस्ट डिफेंड योर सेल्फ, यू कैन नॉट अंडरगो अ वॉर टू अ वॉर। नो जकरिया, दे वर्न्ट, ठीक है। उसकी एक वजह देखें, आप चाहे किसी एक परमानेंट मेंबर का केस ले जाए आईसीजे के पास, ठीक है। फातिमा आप मुझे बताएं कि एक कंट्री के अगेंस्ट एक्शन इस तरह के कौन ले सकता है? सिक्योरिटी काउंसिल ले सकती है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब ये बात गई, यस दे डिड कंडेम, बट अगर एक्शन लेने की बारी आई तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने हक में वीटो कर दी वो सारी चीजें। यस इट्स एनार्किक स्ट्रक्चर, ठीक है, गुड वर्क। तो आप मुझे बताएं कि एक केस भी अगर चला जाए आईसीजे के पास और वो केस का फैसला जो है किसी परमानेंट कंट्री के खिलाफ आ, देखें अब आईसीजे अपने फैसले खुद नहीं वो करवाता है इन्फोर्स, आईसीजे अपने फैसले किसके थ्रू इन्फोर्स करवाता है? सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू। तो अगर एक फैसला किसी P5 मेंबर के अगेंस्ट आया और वो जब मैटर आएगा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो भाई वो कंट्री को अपने आंख में वीटो कर देगी, उसको वो कहेगी नहीं इम्प्लीमेंट करना, बात खत्म, सही है। तो यस, यूएन नीड्स रिफॉर्म and you also need to focus on this point when you're giving me that answer to that question you want to give. Asad, self-determination ye hota hai ki united nations aur league of nations dono is baat ko manti hain ki har qoum ke paas right to of self-determination hona chahiye. Ye right to self-determination ka matlab ye hota hai ki kisi qoum ke paas, har qoum ke paas ye ijazat honi chahiye ki wo apna political discourse decide kare. This is what united nations says. Are you guys clear about this United Nations? We are done with. किसी का कोई question? I'll just give you guys 2 minutes and we'll move on to another organization. Okay. ठीक हो गया, चलें फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। अगली आज हमने जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है उसका नाम है यूरोपियन यूनियन।
I'm not because we can't. That's why. Because we are not NATO. Who is going to come and save us? कल को यूनाइटेड नेशंस ने ये चीज़ पास कर दी कि वो नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान को और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगनी चाहिए, तो फिर क्या होगा? हमारे पास इतने दोस्त नहीं है जितने आपको लगता है। चाइना को क्या समझा हुआ आपने? आपको पता है पाकिस्तान FATF की लिस्ट के अंदर क्यों है? बिकॉज ऑफ चाइना एंड सऊदी अरब। देखिए, हर किसी को इस तरह अपना दोस्त मान लेना जो है वो ठीक बात नहीं है। चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, जहाँ चाइना के इंटरेस्ट नहीं होंगे वो हमारा साथ नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। इस चीज़ को आप भूल जाए। नो, सेंटो का क्या काम है भाई कश्मीर के अंदर? ताबिंदा, क्या क्वेश्चन है आपको? जल्दी पूछिए ताकि फिर आके मूव हो। क्या क्या चीज इलीगल की बात कर रही है? मैंने आपको बताया ना कि ये इलीगल थी यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरवेंशन, लेकिन इसके खिलाफ एक्शन लेना किसकी जिम्मेदारी है? सिक्योरिटी काउंसिल की, और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका खुद है। अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो वो अपने एक्शन को वीटो कर देगा, नहीं कोई एक्शन लिया जा सकता अमेरिका के अगेंस्ट। यू कॉन्ट, ठीक है, ओके। Let's move on to our next organization, which I'm pretty sure you guys would find as interesting as this one, and that organization is the European Union. Okay, it is the most successful organization. Okay, इस टाइम दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, so let's Let's start. Fatma, don't jump ahead. Of course, वो भी है, लेकिन ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा, big failure. अच्छा, इससे पहले कि हम यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन का, अच्छा मैं UN इतनी दफ़ा बोल चुका हूँ तो कि शायद मेरे मुँह से ना UN ही निकले, लेकिन आपने क्या समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? EU. ठीक है, हाँ, क्योंकि बोल मैं रहा हूँ और मुझे पता है मेरी जो है ना दिमाग ख़राब हो गया सुबह। ओके, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, हमने पहले ये देखना है कि ये कैसे इवॉल्व हुई एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऐसा नहीं हुआ था कि वन डे द यूरोपियन कंट्रीज डिसाइडेड टू लेट्स मेक यू नो यूरोपियन यूनियन। It evolved with time. But let's go into it. कि किस तरह evolved हुई EU as an organization, ताकि हम truly इसकी history भी समझ सकें, ताकि हमें पता हो कि क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से कि हम ब्रेगजिट की डिबेट हमने करनी है, बिल्कुल करनी है, डिटेल में हम समझें कि क्या है, क्यों हुआ, ये सब नई चीज़ें देखनी है। लेकिन उसको समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि यह ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी। अब इसको मैंने कुछ डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया कि कैसे इवॉल्व। पहला जो फेज है जिसने यूरोप को इकट्ठा करना शुरू किया वो राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होती है तो उस टाइम की यूरोपियन कंट्रीज़ को एक चीज़ रियलाइज हो जाती है, वो ये कि वी हैव बीन फाइटिंग विद ईच अदर फॉर पास्ट 400-500 years। ठीक है, मतलब कि ये आपस में लड़ते ही आ रहे हैं। अगर आप 1500 से सेंचुरी से हिस्ट्री शुरू करें ना तो ये आपस में लड़ते ही रहते हैं। कभी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ये आपस में लड़े होते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू और जितनी डेवस्टेटिंग वर्ल्ड वॉर टू थी
उन लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की कि हम कब तक लड़ते रहेंगे, बिकॉज जब तक हम एक दूसरे से कॉपरेशन शुरू नहीं करेंगे हम लड़ते रहेंगे, एंड वी नीड टू स्टॉप फाइटिंग. सो दे डिसाइडेड कि लेट्स स्टार्ट कॉपरेटिंग विद ईच अदर ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स. ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक कॉपरेशन इज द बेस्ट टाइप ऑफ कॉपरेशन. उसमें क्या होता है कि जब आपके किसी क्या होता है ना, आपके किसी कंट्री के साथ अगर ट्रेड पार्टनरशिप है, what would you do? You will not fight with that country. ठीक है, तो उन लोगों ने सोचा कि let's try and cooperate with each other on the economic affairs. So the first alliance that they made, which paved the way for further cooperation, the first alliance that they made was ECS. European Coal and Steel Corporation. सबसे पहले European Coal and Steel Corporation कायम की जाए. European Coal and Steel Corporation में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल होती हैं? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नेदरलैंड्स. ये छह कंट्रीज मिलकर क्या बनाती हैं? ECSC. It stands for European Coal and Steel Corporation. अब why coal and steel? देखें, World War II ने तबाह कर दिया था पूरे के पूरे यूरोप को. स्टील चाहिए था रिकंस्ट्रक्शन के लिए पूरे के पूरे यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और कोल वाज एन एनर्जी रिसोर्स. तो इन दोनों चीज़ों की बहुत डिमांड. इन छह कंट्रीज़ ने क्या किया कि आपस में इन्होंने इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शुरू कर दी विदाउट एनी टैरिफ्स, और इन सब कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फायदा है. ठीक है, कि जिन कंट्रीज़ के पास कोल होती थी बाकी कंट्रीज़ उनसे खरीदती थी. ठीक है, जिसके पास स्टील होता था बाकी कंट्रीज उनसे खरीदती थी. तो कंट्रीज को फायदा होने लग गया, दे थॉट ऑफ इट एज ए बिजनेस. तो उन्होंने 1957 के अंदर ये सोचा कि वाई जस्ट स्टॉप एट कॉपरेटिंग ऑन कोल एंड स्टील ओनली, वाई नॉट एक्सपैंड आवर कॉपरेशन. सो इन 1957 दी सिक्स कंट्रीज साइन अ ट्रीटी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ रोम. ठीक है, ना यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन में दो ट्रीटीज़ का बड़ा अहम किरदार है. ये पहली ट्रीटी ऑफ रोम, दूसरी जब आएगी तो आपको तब पता. दिस ट्रीटी ऑफ रोम, इसने क्या किया, ट्रीटी ऑफ रोम ने एक नई किस्म की बॉडी बनाई. ठीक है, इट फॉर्म्ड अ न्यू सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. ठीक है, ट्रीटी ऑफ रोम ने दो काम किए, एक तो उसने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, और दूसरी उसने क्या इस्टेब्लिश की, पूरी इन छह कंट्रीज़ के अंदर एक कॉमन मार्केट इस्टेब्लिश की. ठीक है, ना इस कॉमन मार्केट का मतलब क्या है, इस कॉमन मार्केट का मतलब ये है कि इन छह कंट्रीज़ के अंदर जो मार्केट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एक जैसे हैं. बात में अगर समझना है कि इसका क्या मतलब है, अब जैसे देखें ना पाकिस्तान के चार सूबे, इन चारों सूबों के अंदर जो मार्केट्स हैं, जो ट्रेड है, मतलब आपने लेट से अपना सामान पंजाब से सिंध भेजना है, तो ऐसा नहीं है कि सिंध की गवर्नमेंट आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेगी, ऐसा नहीं होता. कोई टैक्स वगैरह नहीं होते आपके एक सूबे से दूसरे सूबे में आने, क्योंकि एक कॉमन मार्केट एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान के अंदर. ठीक है, आप अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो दैट्स अ कॉमन मार्केट. जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस शहर में है वो किसी दूसरे सूबे के दूसरे शहर में होंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना पड़ता. लेकिन वो किस तरह की कॉमन मार्केट बना रहे थे कि ना सिर्फ एक मुल्क के अंदर बल्कि इन छह मुल्कों के बीच में एक जैसे आप कह रहे रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, दैट वॉज अ वेरी न्यू आइडिया कि भाई हम एक दूसरे से ट्रेड करेंगे और हम एक दूसरे के इलाकों को ऐसे समझेंगे जैसे हमारे ही मुल्क के इलाके. डिक्लेयर हुआ आपको कॉमन मार्केट क्या होती है? ओके, वेरी गुड. द नेक्स्ट फेज इज 1960s टू 1969. ठीक है, ये वो फेज है जिसमें जो कंट्रीज थी EEC के अंदर, ठीक है, उन लोगों ने बहुत तरक्की पाई. देयर इकोनॉमिक कंडीशंस ग्रू एक्सपोनेंशियली और EEC इतनी फेमस हो गई कि एवरी कंट्री वॉन्टेड टू ज्वाइन. तो 1960 से 1969 तक EEC ने अपनी दुनिया में इम्पोर्टेंस बनाई.
यूरोप ने अपनी इम्पोर्टेंस बनाई एंड एवरी कंट्री इन यूरोप वॉन्टेड टू ज्वाइन द यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन. ठीक है. अच्छा, ये अब ये ECSC बनाई गई है, छः कंट्रीज ने तो बनाई, इसमें से एक कंट्री मिसिंग है, अ वेरी ह्यूज कंट्री. विच वन वॉज इट? यूके. यूके का प्रॉब्लम ये था कि यूके को बनने नहीं दिया गया पार्ट. ठीक है, फ्रांस ने कहा कि इस ECSC के अंदर और इस EEC के अंदर इंग्लैंड को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड का प्रॉब्लम ये है कि वेयर एवर इंग्लैंड वेयर एवर इंग्लैंड बिकम्स पार्ट ऑफ यू नो एन ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लैंड अपनी मनमानी. एंड दे वर राइट. फ्रांस के उस टाइम के प्रेसिडेंट हुआ करते थे चार्ल्स डिगॉल. ठीक है, और चार्ल्स डिगॉल जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि जब तक मैं हूँ ना, मैं फ्रांस को इंटर नहीं, मैं इंग्लैंड को इंटर नहीं. ठीक है, बिकॉज ये जहाँ होते हैं वो बर्बाद करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को. लेट्स नॉट मेक इंग्लैंड पार्ट ऑफ दिस. 1960s के एंड में जब चार्ल्स डिगॉल चले जाते हैं, तो फ्रांस में एक नई गवर्नमेंट आती है एंड दैट गवर्नमेंट वॉज वेरी मच सिंपथेटिक टूवर्ड्स इंग्लैंड. और इंग्लैंड काफ़ी अरसे से चाह रहा होता है कि वो EEC में आ जाए. तो 1971 में यानी, अच्छा ये जो अगली मैं आपको फेज बता रहा हूँ जो कि 1970 से 79 में, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट है. सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो यूरोप के अंदर हुई कि इंग्लैंड, आयरलैंड और डेनमार्क को EEC में आने का मौका मिला, यानी कि पहली दफ़ा EEC को एक्सपैंड किया गया, पहली दफ़ा किसी कंट्रीज को बाहर से आने का मौका दिया गया. ये हो गया. दूसरा जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी यूरोप के अंदर वो ये थी कि स्पेन और पोर्चुगल के अंदर जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रही थी. ठीक है, ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप सिर्फ यू नो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं होती, ये स्पेन और पोर्चुगल में भी हुआ करती थी. ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रही थी स्पेन की और पोर्चुगल के अंदर. क्यों? क्योंकि जो लोग थे वो ये चाह रहे थे कि हम भी EEC का हिस्सा बने, और जब तक मिलिट्री डिक्टेटर्स थे वो नहीं बन सकते थे, क्योंकि EEC के अंदर आने की शर्त ये थी कि आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी होनी चाहिए. तो वो कंट्रीज़ की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रही थी. ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उस टाइम की. इसके अलावा अगली जो बड़ी डेवलपमेंट है उस डेकेड की वो ये थी कि यूरोपियन जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही थी, स्ट्रेंथन हो रही थी. उसने कंट्रीज़ के अफेयर्स के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया. अब यूरोपियन पार्लियामेंट क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, नहीं सारा कुछ देखा. ठीक है, तो जस्ट बेयर विद मी, अभी हम सिर्फ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखें. ठीक है, यहाँ पे लिख लें आप अगर किसी को समझ नहीं आए. यूरोपियन पार्लियामेंट इज़ अ पार्लियामेंट विच इज़ यू नो समथिंग एल्स. ये कंट्रीज़ की पार्लियामेंट से ज़रा हट के पार्लियामेंट. इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि 1979 के अंदर ये फैसला किया गया कि यूरोप के लोग यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर डायरेक्टली लोग इलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन का मौका दिया. इन दोनों बातों का मतलब आपको क्लियर हो जाएगा. ना, अगले जो दो डेकेड्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसने EU को बनने में मदद की. अभी तक क्या हुआ है, अभी तक ये हुआ है ECSC से स्टार्ट की, ECSC ने तरक्की की, EEC बनाई, उसने तरक्की की, बाकी कंट्रीज़ ने आने का यू नो एप्लीकेशन दी, और अभी तक कौन कौन शामिल हुआ है, इंग्लैंड, आयरलैंड एंड डेनमार्क. ठीक है, 1980 से 1989 की जो डेकेड है वो EU की फॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट. उसमें क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताऊँ. 1981 के अंदर एक और मेंबर इनका शामिल हो जाता है ग्रीस, और ग्रीस के बाद स्पेन और पोर्चुगल भी बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो कि वीक होने लगी थी वो हो जाती है ख़त्म, तो स्पेन और पोर्चुगल को भी शामिल करते हैं. ठीक है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, यानी कि मजीद एक्सपेंशन हुई. 1986, नाउ दैट्स अ वेरी की ईयर. 1986 के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक आप कह लें बिल पास किया जाता, एक एक्ट पास किया जाता है जिसका नाम होता है सिंगल यूरोपियन एक्ट. यूरोप की पार्लियामेंट एक चीज़ का फैसला करती है,
कि अगले 6 सालों के अंदर वी आर गोइंग टू टर्न दिस कॉमन मार्केट इनटू अ सिंगल मार्केट, यानी कि अभी जो ईईसी मौजूद है, अभी तक देखें मैंने अभी तक ईयू का नाम नहीं लिया क्योंकि अभी तक ईयू बनी ही नहीं है, अभी बनी हुई है क्या ईईसी। तो सिंगल यूरोपियन एक्ट का जो बिल पास हुआ यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, उसमें ये फैसला किया गया कि अगले 6 सालों के अंदर जो कि सिंगल मार्केट, जो कॉमन मार्केट है उसको क्या बना दिया जाएगा, सिंगल मार्केट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी उस टाइम की। अगली जो बड़ी डेवलपमेंट होती है इस डेकेड के बीच में वो होती है ये कि जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर ख़त्म होने के करीब थी और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के दरमियान ना एक दीवार हुआ करती थी जिसको बर्लिन वॉल कहा जाता, ठीक है। जिसको नहीं पता वो थोड़ा देखिएगा कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के दरमियान जो वॉल थी वो क्या थी। तो जो वॉल ऑफ बर्लिन गिर जाती है इसका मतलब है कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिल जाते हैं और वो मिल के हिस्सा बन जाते हैं किसका, यूरोपियन यूनियन। अच्छा, जो अर्शिया जो पहले जर्मनी मेंबर था ना वो वेस्ट जर्मनी, ठीक है। उस टाइम ना दो कंट्रीज हुआ करती थी, वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी। अब क्या हुआ कि वेस्ट और ईस्ट जर्मनी मिल के एक एक ग्रेटर जर्मनी बन गई, फिर पूरा जर्मनी शामिल हो गया दोबारा से, ठीक है। तो जो पहले जर्मनी था ना वो सिर्फ वेस्ट जर्मनी। और कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक का? ओके, द नेक्स्ट डेकेड, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड कॉमन मार्केट, गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं भी आपको बताता हूँ, शकील ये मैंने आपको बताना है, गुड क्वेश्चन। मैं देख रहा था कि कोई है इस तरह ये चीज़ फोकस कर रहे हैं, ठीक अभी बताता हूँ। टैरिफ्स क्या सबरीना, क्या पूछ रहे हैं? लेकिन वो टैरिफ हटाने की बातें करते थे, टैरिफ लगाने की बातें नहीं करते थे। ये आपको ईसी और ईयू दोनों, खैर अगली डेकेड में क्या क्या हुआ विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यू नो यूरोपियन यूनियन। सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट हुई यूरोप के अंदर, जो पहली डेवलपमेंट वो क्या थी, वो था कम्युनिज्म का ख़त्म होना, वो था यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट, ठीक है। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो 1991 में तो बहुत सी नई कंट्रीज़ बनी, मैं आपको बताया था ना कि बहुत सी नई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बनती हैं एंड ऑल ऑफ देम वॉन्ट टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन सॉरी ऑल ऑफ देम वॉन्ट टू जॉइन द ईईसी, ठीक है। और ईईसी ने सबको वेलकम करना शुरू किया बिकॉज वो तो यही चाहते थे कि जो पुराने यूएसएसआर के एलाइज हुआ करते थे अब वो हमारे एलाइज बन जाए, ठीक है। अच्छा, सिंगल यूरोपियन एक्ट का पास हुआ था 1986 में, ठीक है। इसकी मुद्दत ख़त्म होती है 1992 में, यानी कि इस टाइम के अंदर इन्होंने क्या बनानी थी, सिंगल मार्केट। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1993 में एक और ट्रीटी साइन की जाती है जिसका नाम था मैस्ट्रिच ट्रीटी। मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन को बनाने में दो चीज़ों ने, दो ट्रीटीज़ ने अहम किरदार अदा किया। पहली ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ रोम, जिसने क्या बनाया, जिसने बनाया ईईसी एंड कॉमन मार्केट। दूसरी ट्रीटी है ये मैस्ट्रिच ट्रीटी, जिसने दो काम किए, जिसने ईईसी को बदल के ईयू बना दिया पहला, और जिसने कॉमन मार्केट को बदल के सिंगल मार्केट बना, ये दो। ये बात आपको क्लियर हुई है कि दो ट्रीटीज में फर्क क्या है, जिसको नहीं हुई वो पूछे। आई विल कम टू द पॉइंट कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड कॉमन मार्केट। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड कॉमन मार्केट। मामा मैंने ये बताया है कि ट्रीटी ऑफ रोम इस्टेब्लिश्ड ईईसी एंड कॉमन मार्केट, मास्टर्स ट्रीटी इस्टेब्लिश्ड ईयू एंड सिंगल मार्केट, ठीक है। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड कॉमन मार्केट। सिंगल मार्केट इज अ मच लार्जर कॉन्सेप्ट, इट्स मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन अ कॉमन मार्केट। अब इसका मैं आपको फ़र्क बताऊँ, देखिए एक जो मुल्क होता है ना, एक मुल्क के अंदर सिंगल मार्केट एग्जिस्ट करती होती है। कॉमन मार्केट में क्या होता है कि कॉमन मार्केट में तो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा होता है, यानी कि चीज़ों का लेन देन एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर, एक शहर से दूसरे शहर के अंदर, एक
सूबे से दूसरे सूबे के अंदर, ये तो होता है कॉमन मार्केट। सिंगल मार्केट का मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ नॉट ओनली गुड्स बट ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ पीपल एंड एक्सचेंज ऑफ मनी। ये एक बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है। सिंगल मार्केट इकोनॉमी का मतलब ये है कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन मुल्कों में सिंगल मार्केट इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे एक जैसी करेंसी होगी, वहाँ पे ये होगा कि जो यू नो जो सर्विसेज एक एक मुल्क में प्रोवाइड की जाती हैं वही दूसरे मुल्क में प्रोवाइड की जाएंगी। यानी कि उन्होंने कंट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको एक्सपैंड किया। वैसे तो हर मुल्क के अंदर सिंगल मार्केट होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंगल मार्केट को अपने पूरे कॉन्टिनेंट में फैला दिया। ये बात आपको समझ आएगी सिंगल मार्केट की, कि सिंगल मार्केट का जो आइडिया था वो ये था कि दे टर्न्ड होल ऑफ यूरोप लाइक अ सिंगल वन बिग कंट्री, जहाँ पे मुल्कों की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होगी भी ख़त्म, कि हर बंदा क्या है, यूरोपियन, एवरी पर्सन इज़ यूरोपियन, ही कैन मूव। खिलाफत क्या मतलब, यस एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल यार, खिलाफत कोई और चीज़ थी वो, नहीं नहीं दैट्स डिफरेंट, ठीक है, ये इसको, ये एम्पायर नहीं है। यूरोपियन यूनियन इज एन अलायंस, ठीक है, ऑफ द विलिंग, ये अलायंस ऑफ दोज कंट्रीज है जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस। अब इस सिंगल मार्केट इकोनॉमी को अचीव करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ। 1999 में इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की जिसका नाम था यूरोजोन। यूरोजोन उन कंट्रीज़ को कहा जाता है जो ये मानती हैं कि उनकी जो करेंसी है वो क्या है, यूरो। ठीक है, तो इस टाइम यूरोप के अंदर आई थिंक 17 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपनी करेंसी को यूरो मानती हैं। एंड व्हाट इज यूरोप, व्हाट इज ईयू ट्राइंग, कि इस यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब माने कि यूरो उनकी करेंसी है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड हो रहा है। तो ये किसकी तरफ कदम है, सिंगल मार्केट की तरफ, कि पूरा यूरोप के अंदर एक ही करेंसी हो। ठीक है, इसी तरह उन्होंने एक शेंजन एग्रीमेंट यू नो साइन किया। शेंजन एग्रीमेंट का मतलब ये था कि विद इन यूरोप किसी बंदे को ट्रैवल करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह उन्होंने एक कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने की तरफ काम शुरू किया, और अपने इंटरनल अफेयर्स के अंदर भी कोऑपरेट करना शुरू किया। यानी कि पूरे का पूरा जो यूरोप का कॉन्टिनेंट था, इट स्टार्टेड टू एक्ट लाइक वन बिग जॉइंट कंट्री। यानी कि हर कंट्री के अंदर करेंसी भी एक है, आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं है, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में सिक्योरिटी पॉलिसी भी एक जैसी इम्प्लीमेंट होती है, और आप इंटरनल अफेयर्समेंट जो है वो भी करते हो, कोऑपरेट भी करते हो। तो व्हाट हैपेंड के ये एक नया कॉन्सेप्ट था दुनिया के लिए सिंगल मार्केट का, एंड पीपल वर वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट, बट इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। नाउ यू, अभी भी किसी को कॉमन और सिंगल मार्केट में कोई डाउट है, हर सिंगल मार्केट के अंदर एक कॉमन मार्केट होती है, ठीक है, बट कॉमन मार्केट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सिंगल मार्केट। कॉमन मार्केट का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑन, ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ इन्होंने सिंगल मार्केट बनाई बल्कि इन्होंने एक और चीज़ भी बनाई, क्योंकि आप अक्सर एक टर्म सुनते होंगे कस्टम यूनियन। ठीक है, कस्टम यूनियन का मतलब ये था कि हर कंट्री के अंदर एक ही किस्म के टैरिफ्स जो है ना वो लग गए, कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगे, पूरा यूरोप के अंदर एक ही रिजीम होगी टैरिफ। तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो ये उन्होंने किया इन सारे अरसे में। फिर जो अगली डेवलपमेंट हुई वो अगली डेकेड में, यानी कि सन 2000 से 2009 तक, 2000 से लेके 2009 तक जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए, वो सबसे पहले तो देखे ना
वॉर एंड टेररिज्म ने बड़ा इम्पैक्ट किया यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि उनके फिर पूरे का पूरा फोकस जो है वो उसकी तरफ हो गया। दूसरा ये कि इस अरसे के अंदर 12 नई कंट्रीज दे जॉइंड द यूरोपियन यूनियन, तो इस डेकेड के अंदर कंट्रीज की तादाद हो गई थी 28, ठीक है, बट अब इन कंट्रीज की तादाद है 27, क्योंकि इंग्लैंड निकल चुका। सो नाउ देर आर 27 कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये थी हमारी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने से, उन कंट्रीज़ की रियलाइजेशन के ऊपर कि अब हमें कुछ कॉपरेट करना चाहिए, देन ECAC, देन EEC एंड देन इंडिया। देखिए बिकॉज दोज कंट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि फिजान गुड क्वेश्चन, बिकॉज दे रियलाइज्ड के यू कांट लिव लाइक दिस ऑल योर लाइफ, एंड ये रियलाइजेशन दोनों तरफ आनी चाहिए, ठीक है। ज़करिया टू आंसर योर क्वेश्चन, बात ये है कि जो कंट्री एडमिशन के लिए, पहली तो बात यह है कि आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो कि विलिंग ही नहीं है EU ज्वाइन करना, क्योंकि वो किसी और कंट्री के एलाय, खासतौर पर जो उस रीजन में रशिया के एलाइज है ना, वो नहीं ज्वाइन करती EU, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उन कंट्रीज़ को मानना भी पड़ता है, यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, उन सबको मानना पड़ेगा कि हमें इसका एडमिशन मंजूर है, ठीक है। अगर कोई एक भी कंट्री ना कर देगी ना, तो उस कंट्री का एडमिशन अलाउ नहीं किया जाएगा। हर कंट्री बड़ी पावर, ठीक है। सबरीना, यस दे बिलीव इन फ्री ट्रेड। दुनिया में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्री ट्रेड पे ना सिर्फ बिलीव करती है बल्कि उसके ऊपर एक्ट भी करती है, तो वो सिर्फ यही है और कोई नहीं। यार हमें किसने पूछना है ना सर, पहली बात तो ये है कि हम यूरोपियन भी नहीं हैं, और दूसरी बात ये है कि नो, यू आर नॉट दैट रेलेवेंट टू द वर्ल्ड। टर्की कुडंट गेट द मेंबरशिप बिकॉज द कंट्रीज दे, उनको एतराज़ात थे टर्की से, ठीक है। टर्की देखे, यूरोपियन यूनियन का पार्ट होने के लिए यू हैव टू बी अ यूरोपियन कंट्री, अ नॉन यूरोपियन कंट्री कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। जो टर्की के ऊपर एतराज़ात उठाए जाते हैं वो मिलिट्री की जो इन्वॉल्वमेंट है ना पॉलिटिक्स में, और द वे देयर पॉलिटिक्स वर्क, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप अमरीन एक बनाइएगा, आप नस्लों का फ़ायदा करेंगे। पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ EU, व्हाट डिड आई से दैट। जितनी भी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इस स्टैंडर्ड की कोई भी नहीं, ठीक है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी लाइक EU, SAARC, ASEAN, SCO, एवरीबडी वॉन्ट्स टू यू नो कॉपी EU, बट नो, इट्स नॉट वेरी इजी टू बी EU। EU बनाने के लिए, EU करने के लिए ना, देखिए सबसे पहली चीज़ क्या, आपको क्या लगता है सबसे पहली चीज़? रियलाइजेशन कि भाई आपको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि हमें ये करना है। जब तक इस SAARC की सारी कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया, इन दोनों को जब तक ये कंट्री को रियलाइजेशन नहीं होगी ना कि वी कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस, वी विल स्टे लाइक, ठीक है। लेकिन बात ये है कि उन कंट्रीज़ को इस बात को समझने में कई सौ साल लगे, तो हमें भी कई सौ साल लगेंगे, सही है। तो ये आपकी तो हड्डियों को भी ये नसीब नहीं होंगे SAARC के अंदर इस तरह। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो एवोल्यूशन होगी क्लियर। चले अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की जानिब, ठीक है, कि यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हमने UN का स्ट्रक्चर, यूरोपियन यूनियन का जो स्ट्रक्चर है, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं,
इसी तरह इसके भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन, लेकिन इनके हम सारे नहीं पढ़ेंगे ऑर्गन, इसके हम चार ऑर्गन डिटेल में पढ़ेंगे। चले फैजान, अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो सुपर एशिया के बाइक बनते देखे, एशियन यूनियन को बनते कोई नहीं देखे, अल्लाह करे बन जाए। ईयू का उसका आगाज़ करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले कि ईयू का जो पूरे का पूरा सेटअप है ना, वो है ब्रसल्स के अंदर। ब्रसल्स इज़ इन बेल्जियम, ठीक है। तो यूरोप के जो हर इदारे के जो हेडक्वार्टर्स हैं ना, वो ब्रसल्स में, यानी कि बेल्जियम में, इनकी जितनी भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स। अब चार ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। क्या मेरी आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? हेलो यार, क्यों बोलते हो नो वॉइस? पहले ज़रा चेक कर लिया गया। ओके। देर आर फोर ऑर्गन्स विच वी नीड टू फोकस, ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट, प्लीज़ इसको ज़रा लिख लीजिए कि हमने किन ऑर्गन्स के ऊपर फोकस करना है। यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, द काउंसिल एंड द यूरोपियन यूनियन, ये जो मैंने चार लिखी है ना, इनके ऊपर हमने फोकस करना है। इन चीज़ों के हमने फोकस करना है। यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, द काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन, these are four most important organs of the European Union and this is what we need to focus on. Baki of course unka apna ek judicial structure bhi hai, apna unka court of auditors bhi hai, unka apna investment bank hai, unka apna central bank hai, lekin hum itni detail mein nahi jayenge. Humne char organs ko detail mein discuss karna hai. Kis kis ko? European Parliament, the European Council, idhar naam dekh le, isko galat nahi karna. European Council alag hai, the Council alag hai. और ये जो द काउंसिल है ना, इसको द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसको द काउंसिल ऑफ यूरोप नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाता है द काउंसिल या द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज द यूरोपियन कमीशन। ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको चार बता दिए हैं क्या है ये, दिस इज़ हाउ इट वर्क, ठीक है। ये लेकिन ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए, जब मैं आप लोगों को स्लाइड भेजूँगा तब आप देख लीजिएगा। हम इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड डोंट वरी, आपको समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फ्लो चार्ट, कि इसके फंक्शन क्या है। अब सबसे पहला ऑर्गन मैंने आपको क्या कहा था, कौन सा है? यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन होते हैं? जो कौन होते हैं? पार्लियामेंटेरियंस। जैसे पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर कौन होते हैं? पार्लियामेंटेरियंस। देयर आर टोटल 751 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। अच्छा देखते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट का मतलब ये नहीं है कि यूरोप की अंदर एक पार्लियामेंट है तो कंट्रीज़ के अंदर पार्लियामेंट नहीं होती, नहीं। कंट्रीज़ के अंदर अपनी पार्लियामेंट होती है, ये अलहदा से एक पार्लियामेंट है जिसके बड़े रिस्ट से आप कह लें कि उनके एम्स हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो चंद चीज़ों के ऊपर लेजिस्लेशन करती है, जैसे मैटर्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये हर चीज़ के ऊपर नहीं कर सकती। इट कैन नॉट रेगुलेट योर नेशनल सिक्योरिटी। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना, कि ये पार्लियामेंट ज़रूर है और ये यूरोपियन पार्लियामेंट है और पूरे यूरोप से इसके अंदर बंदे आके बैठते हैं, लेकिन इसका जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो लिमिटेड है, ठीक है। और इसके जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। नो वी डोंट। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। 751। अच्छा, दुनिया की कोई भी अगर पार्लियामेंट आप देखें ना, उसके तीन काम होते हैं, ठीक है। दुनिया की जो जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, उस पार्लियामेंट के तीन काम। पहला काम होता है लेजिस्लेशन करना, दूसरा काम होता है सुपरविजन करना, और तीसरा होता है बजट। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के भी यही काम, यूरोपियन पार्लियामेंट के भी यही काम। वो लेजिस्लेट करती है,
यानी कि कानून साजी करती है, वो सुपरवाइज करती है और वो बजट बनाती है, ठीक है। अब लेजिस्लेट क्या होता है, कानून साजी करना, सुपरवाइज क्या होता है कि डिफरेंट बॉडीज को रेगुलेट करना, बजट क्या होता है आपको पता ही है, बजट बनाना। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी है, ठीक है, वो ये है कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के साथ मिल के काम। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको लगेगी, लेकिन यही मेन पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जो कि लोगों को समझ नहीं आता, मतलब आधे यूरोपियंस को ये नहीं पता जो मैं अभी आपको बताने लगा, कि यूरोपियन पार्लियामेंट वर्क्स विद, जो मैंने आपको तीसरे नंबर का जो ऑर्गन बताया था ना, तीसरे नंबर वाला द काउंसिल, जिसको मैंने आपको बोला था द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कह सकते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट उसके साथ मिलके काम करता है, ठीक है। और किसके कहने पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रपोजल ऑफ द यूरोपियन कमीशन, ठीक है। अब इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फैसला देता है यूरोपियन कमीशन कि आपने ये काम करना है, और वो काम कौन करता है, यूरोपियन पार्लियामेंट और द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन मिल के वो काम। ये बात आपको समझ आई, जिसको नहीं आई वो पूछूंगा। नहीं, पार्लियामेंट इनिशिएट नहीं करता, ठीक है। देखें, द काउंसिल जो मैंने आपको बताया था एंड द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, दे आर द सेम थिंग। मैंने वहां पे डिफरेंट नाम लिखा, यहां पे डिफरेंट नाम मैंने इसलिए लिखा कि ये दोनों एक ही चीज के नाम है। तो कमीशन जो है, नहीं वो प्रपोजल वगैरह कोई सेंड नहीं करती, कमीशन जो कहता है ना इनको, वो उस तरीके से लेजिस्लेशन करनी पड़ती है। कमीशन इज द एग्जीक्यूटिव आर्म, लेजिस्लेशन इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो ये यूरोपियन पार्लियामेंट होती है, यूरोपियन पार्लियामेंट की पार्लियामेंटेरियंस डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मेंबर्स टोटल 751 होते हैं, काम इनके लेजिस्लेटिव, सुपरवाइजरी और बजटरी काम। जो दूसरा वो है ऑर्गन है वो है द यूरोपियन काउंसिल, ठीक है। अब आप समझिए कि यूरोपियन काउंसिल के मेंबर्स कौन होते हैं, यूरोपियन काउंसिल के मेंबर्स होते हैं जो कंट्रीज के हेड्स होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स, जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट का मेंबर्स होते थे ना पार्लियामेंटेरियंस, यूरोपियन काउंसिल के मेंबर्स कौन होते हैं, जो कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। इस यूरोपियन काउंसिल का क्या काम होता है, यूरोपियन काउंसिल का काम होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन देना, ठीक है। ये बताती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि पूरे यूरोपियन यूनियन, कि आपने क्या करना है, आपने किस तरह की लेजिस्लेशन करनी, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ज़रा फाइनली आप समझिए कि यूरोपियन काउंसिल में वो लोग होते हैं जो कि ममालिक के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि लेट्स से इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स वी हैव टू फिक्स आर इकॉनमी। अब ये क्या बात की यूरोपियन काउंसिल ने की, कि उन्होंने एक डायरेक्शन दे दी यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन काउंसिल जो है, आपको क्या लगता है किसको वो डायरेक्शन देगी, जो मैंने आपको चार ऑर्गन्स के नाम बताए हैं, उन्होंने इस चारों में से किसको वो डायरेक्शन देगी।
वेरी गुड, यस। यूरोपियन काउंसिल डायरेक्शन देगी कमीशन को, और कमीशन फिर आगे किससे काम करवाएगा? पार्लियामेंट से और द काउंसिल से मिलकर, बस इतना सा स्ट्रक्चर है इसका। पार्लियामेंट एंड द काउंसिल दोनों से मिलकर। नहीं, काउंसिल इनिशिएट नहीं करती, काउंसिल का काम है वो करना जो कि उनको कमीशन कहते हैं। ठीक है, दिस वॉज द लास्ट थिंग, ये मैं आपको जो आज की मैंने बताई है दोबारा सुन लें कि एक यूरोपियन काउंसिल होती है, वो एक चीज़ का एक डायरेक्शन का फैसला करती है और वो डायरेक्शन देती है कमीशन को, और फिर कमीशन आगे काम करता है। हम डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे कि द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन क्या करता है और कमीशन क्या करता है। ठीक है, आज का लेक्चर आपको समझ आ गया जितने अभी तक हमने ईयू पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा हमने कमीशन, उमर पढ़ना है अभी। चलें, तो छुट्टी का टाइम होने वाला है, आप लोग मुझे बता दें कोई क्वेश्चन है आपका मुझसे पूछा। अभी बहुत ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हमने करनी है, इसके बाद नेटो करनी है, फिर SCO, देन IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF, OIC, ये सारी अभी। ठीक है, मेरे से बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? चले, थैंक यू सो मच। आपको यूनाइटेड नेशंस की स्लाइड्स मिल जाएंगी। आप लोग ऐसा करें कि जो बंदा आप में से CR है ना, वो मुझे ईमेल करे और मुझे बताए कि मैं इस बात के CR हूँ, मैं उसको भेज दूंगा तो वो आप लोगों को शेयर कर। ठीक है, ओके, फिर हाफिज़।